बलोत, बड़े बॉस, इतनी रात में क्या हो गया? कोई बुरा ख्वाब देख लिया? ठीक है, क्या हुआ मुझे बताओ। मैंने ख्वाब में मम्मी पापा को देखा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तुम देखना नहीं चाहते, कोई शिकायत है तुम्हें? तुमने ख्वाब में देखा ना ये? उसके बाद सोने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर वो ख्वाब दोबारा नहीं आया। मेरा ख्वाब में मेरी मम्मी क्यों नहीं आती अंकल? ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नहीं आती तो ना आए, तुम मत रो। देखो तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे बाबा भी यहाँ आए। सच में? मतलब तुम्हारे ख्वाब में? अच्छा तुम रो मत, देखो हम तुम्हारे साथ हैं ना। हाँ, उनका होना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं है। बिना मम्मी और बाबा के मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता अंकल। बिग बॉस, तुम्हें मैं एक राज की बात बताऊं? बिना माँ बाप के कैसा होता है ये मुझे पता है। मेरे भी अम्मी अब्बू नहीं थे, उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तो वो मर गए थे, मतलब वो दोनों एक साथ मर गए थे। तुम्हें पता है मैं अकेले ही बड़ा हुआ हूं, मतलब मैं बचपन में ही अकेला हो गया था। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था मेरे पास, मैं अकेला था। मेरी दादी ने मुझे पाला था, ऐसा हुआ था। मतलब असल में देखते हो ऐसा कुछ? तुम्हारे अम्मी और बाबा नहीं है, मगर देखो बलूत, अल्लाह पर यकीन करो, वो ऊपर से सब देख रहा है। सच में तुम रो मत। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? तुम्हारे आसपास तुम्हें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे बारे में सब सोचते हैं। तुम्हारी आंटी है, तुम्हारे अंकल हैं, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे मामू हैं। तुम्हें पता है असल में तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे अम्मी और अब्बू नहीं हैं। कम से कम तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे, अब मेरी बात समझे तुम? क्या मतलब, मेरी हाइट लंबी हो जाएगी? नहीं, असल में ऐसा नहीं, मतलब कैसे बताऊं तुम्हें, मतलब तुम अंकल जैसे बड़े हो जाओगे। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहन नहीं तो सब तुम्हारे पास है ना। ऐसा करते हैं बिग बॉस, उठो उठो, मारो, जोर से मारो, मुझे दर्द नहीं हुआ, जोर से मारो। बहुत अच्छे बिग बॉस, तुम तो बहुत ताकतवर हो। क्या सच में हूं मैं? सच में। चलो अब सोने का वक्त हो गया, अब तुम सो जाओ। मैंने नाजली का तकिया यहाँ पे रख दिया है, तुम सो जाओ। चलो हम आराम से देखते हैं बलूत को। अरे वाह, अगर आप भी अपने मम्मी बाबा को मिस करते हैं तो मुझसे बात कर लिया करें। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। चलो अब लेट जाओ। शाबाश, गुड बॉय, गुड नाइट। हकान, अब हम सो रहे हैं, ठीक है ना? चलो गुड नाइट, बू, बाय बाय,
दमित कहाँ थी तुम? बच्चा सुबह से रो रहा है, तुम्हें इसके पास रहना चाहिए था। बच्चे को देखने वाली लड़की कहाँ है? हम उसको इस बच्चे के पास रहने के पैसे देते हैं। बुलाओ उसको। मेलिस मैम। हेलो, अरे आलिया कैसी हो तुम? क्या ही कर सकती हूँ मैं, घर पर बोर हो रही थी यार, तो फिर थोड़ा सुकून ढूंढने के लिए बाहर आ गई। बहुत खूबसूरत है यार, ये समंदर किनारे बैठी हूँ मैं। डेनिस को भी देखा मैंने। तुम बताओ क्या कर रही हो? ठीक है, हाँ तुम आ जाओ, मैं बस घर ही जा रही हूँ अभी। ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। घर पे मिलते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय बाय। हेलो मिसेस इकबाल, हो सकता है कि मैं आज कंपनी थोड़ा देर से आऊं, लेकिन लंच के बाद आऊंगा हर हाल में। हाँ, शेड्यूल फिर उसी हिसाब से बनाइएगा। नहीं नहीं, बस ठीक हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, मीटिंग से पहले आ जाऊंगा मैं। चलो नाजली, टाइम वेस्ट मत करो, काम करो। आज हेलो नाजली मैम, कैसी हैं आप? हेलो, शुक्रिया आपका, आपका दिन अच्छा गुजरे। कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा गुजरे। ये सफाई वाली बाजी बैठ तो ठीक करके जाती है, एटलीस्ट दो दिन में तुम्हारी छुट्टी कर देंगे इस तरह तो। नाजली, बेड को ठीक करने की जरूरत नहीं है। नाजली नाजली फरीद सर, डर गई मैं, वो तो मेरा अंदाजा ठीक निकला कि आप थे। वैसे आप अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह दबे पांव क्यों आ रहे थे? तुम तो डरी नहीं, डर तो मैं गया हूँ। और तुम चीख क्यों रही हो? आराम से बात करो। आपको भी इस तरह मुझे डराना नहीं चाहिए। वैसे इस वक्त आप घर में क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद जाऊंगा, मतलब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। आप ठीक नहीं है क्या? आपकी तबीयत कल से ज्यादा खराब लग रही है। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं है आप, आपका रंग पीला पड़ गया है और आज तो मुझे हरा हरा भी लग रहा है। मैं चिकन सूप बनाऊँ आपके लिए? आप नहीं पियेंगे तो मैं पी लूंगी। शर्ट्स वहां हैं। मैं बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी, कहीं नहीं जाना यहां से। जैसा आप कहें। हेलो बाकर, दमित मैम अभी अंदर गई हैं, मुझे उनकी गाड़ी मिली है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सामान उठा लूंगा गाड़ी से और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किसी का इंतजार कर रहे हैं? दमित मैम का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ, उन्होंने यहीं रुकने का कहा। ठीक है। मैंने आपके लिए कहवा बनाया है, इसमें शहद, अदरक, हल्दी सब डाला है मैंने। हल्दी क्यों डाली? हाँ, फ्लू से हिफाजत करती है। इस घर में हल्दी का क्या काम है? फरीद सर, हल्दी बेहतरीन है, बल्कि सबसे बेहतरीन मसाला है। वैसे तो फ्लू में ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, दालचीनी, बहुत से मसाले फायदेमंद होते हैं, खाने और पीने में इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ नहीं होगा आपको, आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं।
मैं ये बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। फरीद साहब आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। जरा फीवर चेक कराएं अपना। आपको बुखार है क्या? क्या आप अभी तक किसी डॉक्टर के पास गए हैं? कहा ना ठीक हूँ। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे लेकिन ये कहवा पी सकते हैं, इससे आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ा पसीना आएगा लेकिन फिर ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए, पैर ऊपर करके बैठे आराम से। ऐसे मत देखें, जिद करने से ठीक नहीं होंगे आप। भाई कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक चल रहा है डैनी सर। आपके छोटे बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया? जी बिल्कुल। आखिरी बार जब चलाई तो बहुत आवाज कर रही थी। आप परेशान ना हो, मैं भी चेक करता हूँ। जी अल्लाह का शुक्र, आप बेहतर समझते हैं ये गाड़ी की जबान। अल्लाह माफ करे, क्या और भी कुछ मसला है इसमें? असल में छोटी मोटी चीजें तो बहुत सारी हैं इसमें, इसको अगर शुरू से चेक करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तुम ये देख लो। दमित मैम, क्या आप यहाँ किसी को ढूंढ रही हैं? मुझे यहाँ देखने की आदत डाल लो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कंपनी के कामों में दखल ना दें, जितना हो सके कंपनी के एम्प्लॉय से दूर रहिए। अलबत्ता आपके हाथों में चीजें टेम्परेरी हैं, तो इसलिए अभी आप हमारी मेहमान हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए ग्रीन टी लेमन के साथ अंदर भिजवा दो, फरीद से मिलने जा रही हूँ मैं। फरीद साहब आज काम पर नहीं आए, वो थोड़ा सा बीमार हैं। काम घर से ही करेंगे वो। मतलब कि वो बीमार है इसलिए काम पर नहीं आया। हैरत हुई। मैं आपके पास ऑफिस बॉय को भेज रही हूँ, अपनी फरमाइश उसे बता दीजिए। अगर आप मीटिंग में रहना चाहती हैं तो इंतजार कर लीजिए, या फिर कैफे में बैठ जाएं, जैसा आप चाहें। आपका दिन अच्छा हो। आपका दिन अच्छा हो। चलो बस ये हो गया है, आज शाम के लिए काफी है। अरे हाँ ये बस हो गया मेरी जान, बस थोड़ा सा रुको, ये कंप्लीट होने वाला है। देखो तुम हिलो मत। अरे रुक तो जाओ, चुप जाएगा। अगर शाम को तुम भी आ रही हो तो नाजली को भी बुला लेंगे। हाँ हो सकता है ऐसा यार, लेकिन देखते हैं। क्या देखते हैं? देखना क्या है, हमने ये सब मिलकर किया है साथ में। तुम आओगी ना? बिल्कुल आऊंगी मैं लड़की। मुझे घर पे बैठ के करना भी क्या है, शायद एंगिन भी वहाँ होगा। अरे सच में वो आने वाला है क्या? ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो प्लीज। उफ, मैं क्या करूंगी वहाँ। आई दोनों आपस में बैठकर बात करना। लेकिन एंगिन मुझसे बात ही नहीं करना चाहता ना। तुमने तो ट्राई भी नहीं किया, तुम कैसे जानती हो? पानी चाहिए तुम्हें? या अल्लाह मैं क्या करूंगी, वो मेरे सामने बैठा होगा, मुझसे कुछ भी पूछ लेगा तो क्या कहूंगी। हाँ और तुम बहुत अच्छा कर रही हो, सुनो किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस सुकून से रहो। ये मुस्कुराहट कैसी है? हाँ क्या हुआ मेरी मुस्कुराहट को? ऐसे मुंह साइड करके हंसना, जैसे टूटे दिल की मुस्कुराहट हो, कहीं मेरी परेशानी ना देख ले। फतोश बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी एक मुस्कुराहट से ही समझ लिया, बहुत खूब। हाँ बल्कि मैं और भी मतलब निकाल सकती हूँ इस बात का, सवाल पर सवाल कर रही हूँ लेकिन तुम कोई जवाब नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे जैसे पुरानी यादें तुम्हें अंदर ही अंदर मार रही है, या फिर किसी को बुलाने की कोशिश कर रही हो पर बुला नहीं पा रही उसे। जो नहीं होना होता वो नहीं होता, खैर छोड़ो। ठीक है मोहतरमा, अगर ये बात सच में तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो।
जाओ ड्रेस उतारो, मुझे इसे मशीन से सीना है। आ, आई, हर जगह ध्यान से, ध्यान से। वो फेंक तो ये लड़की ना बस। हाय, मैं इनको देखूं क्या करना है। बाजी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ अपनी गाड़ी का काम करवा रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे भी ऊपर थोड़ा सा काम था। अरे मेरा ड्राइवर कहाँ गया? अरे कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा। हाँ आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? मैं यहाँ बाथरूम ढूंढ रहा था। तुम्हें कहा भी है गाड़ी छोड़ के कहीं नहीं जाया करो। कैसा चल रहा है उस्ताद? हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। मत पूछो फतोश, शायद आज मैं जल्दी निकल जाती बलूत से मिलने के लिए, मगर फरीद सर को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, बहुत बीमार है वो। बलूत ने कॉल भी किया था मुझे, वो मुझे बहुत याद कर रहा है। है क्या याद आ रही है उसे, छोटा बच्चा, वो बेचारा क्या करेगा? क्या हुआ? नाजली बलूत के पास नहीं जा पा रही ना, उसके बारे में पूछ रही थी। तो हम उसके पास चलते हैं। अरे नाजली जरूर को, हम चलें। मुझे तो हेलो नाजली, हम लोग बलूत के पास चले जाते हैं। नहीं मेरी जान, वो मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ वैसे भी उसकी सालगिरह पर नहीं जा पाई, अच्छा होगा। ठीक है तुम फतोश के मोबाइल पे नंबर भेज दो। ठीक है मैं कॉल करती हूँ। बाय। हाय आलिया, तुमने कितना अच्छा काम किया है यार, वो बच्चा कितना खुश हो जाएगा, बलूत के लिए अच्छा चेंज होगा ना? हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, बलूत हमें बहुत थका देगा। हाँ नंबर आ गया, कॉल कर। ठीक है। हेलो, अब दोबारा क्या हो रहा है? बलूत के पास जा रहे हैं हम, बच्चे के साथ वक्त बिताएंगे वहाँ। लेकिन किस लिए फतोश? मेरी जान तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकती हो, बच्चे को प्यार करना कितना सवाब का काम है पता है तुम्हें? पता है मुझे, मुझे हर बात मालूम होनी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है मैं आज रात घर पर लेटकर आराम करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए। या अल्लाह मैं क्या करूँ। लड़कियों चलो तैयार हो जाओ, बलूत खुश है, कहता है हम पूल में जाएंगे। पूल में? रुको लड़की मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। देखो तो जरा पूल के नाम पे कैसे फौरन तैयार होने चली गई है। फतोश कितनी बुरी लड़की हो तुम, छोटे बच्चों को प्यार करने का कितना सवाब मिलता है जानती हो तुम? सिमन तुम अगर मेरी बहन ना होती ना तो मैं चलो मैं भी जाती हूँ तैयार होके आती हूँ। लाओ फोन दो जरा। ये लो। सो गए हैं। कम से कम इन्होंने पी तो लिया, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ये कैसे सो गए हैं, गर्दन में मोच आ जाएगी। कितनी अच्छी हो तुम नाज़ली, आराम से आँख खुल जाएगी इनकी। सर तो मुझे तकिए से मारना चाह रही हो क्या? नहीं मैंने सोचा कि आपकी गर्दन के पीछे लगा दूं वरना मोच आ जाएगी, क्योंकि गर्दन ऐसे रखो तो अकड़ जाती है इसलिए रख रही थी। अच्छा हुआ आप उठ गए, मैं अभी सूप बना के लाती हूँ। मैं सूप नहीं पीऊंगा इस वक्त। चलाता है बलूत। या अल्लाह अरे मैंने पकड़ लिया। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया फतोश बाजी। आह मेरी जान, हमें तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो? अगर नाजली की दोस्त है तो मेरी भी दोस्त है। ओह तो ये बात है। अल्लाह मेरी जान बलूत,
सुमान बाजी बात करना पसंद नहीं करती क्या? नहीं, वो भी बात करना पसंद करती है, लेकिन कभी कभार। वो दूर से ही प्यार करती है बेटा। अच्छा ठीक है। आसुमान, क्या कर रही हो वहाँ? तुम अंदर आ जाओ, पूल में बुलुत बुला रहा है। फतोश, मैं सूरज की रोशनी टैन कर रही हूँ। मैं तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ध्यान से, सूरज बहुत जलाता है। एक बार मैंने ज़ॉम्बीज की फिल्म में देखा था, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से वहाँ सारे के सारे इंसान ज़ॉम्बीज बन गए थे। सुन रही हो ना आसुमान साहिबा तू? ये क्या? नाज़ली, देखना कौन आया है। देखती हूँ। कभी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। जी कहिए। देमित मैडम आई है। मैंने देख लिया है। नाज़ली, सुन रही हो तुम? जल्दी दरवाजा खुलवाओ। फरीद साहब को बता दे। अभी जाके बताती हूँ। फरीद सर, आने दो नाज़ली, आने दो। अंदर भेज दीजिए। सूप आ गया, एकदम गर्मा गर्म सूप है। मैंने कहा था ना सूप नहीं पीऊंगा। मैंने कहा था मैं बनाऊंगी। गर्मा गर्म सूप है, पियेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लगा लीजिए। प्लीज प्लीज, शुक्रिया। तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी है ना? बिल्कुल सही समझे आप। फरीद, जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। शुक्रिया। नाज़ली, मैं अजनबी नहीं हूँ। घर में बीमार आदमी को देखने के लिए तुम मुझे आने नहीं दे रही थी। बहुत खूब नाज़ली। डैम इट, नाज़ली बस मेरे ऑर्डर मान रही थी। मैं चलती हूँ। अगर तुम कहो तो ये सूप मैं तुम्हें अपने हाथों से। मेरे हाथ काम कर रहे हैं दैमित, जब मुझे पीना होगा पी लूंगा। ठीक है। यहाँ क्यों आई हो दैमित, तुम बताओ? मैं कंपनी गई थी, वहां से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा तुम्हें देख लूं। मिल लिया ना, अब तुम जा सकती हो। बुलुत, देखो तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट आ गई। आज पूल में ही एक्सरसाइज करनी है। हेलो बुलुत, कैसे हो? क्या तुम अपने मसल्स को थोड़ा और मजबूत करना चाहोगे? लेकिन फिर मेरे दोस्त क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। तुम थेरेपी कराओ, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ ना बुलुत, हम इंतजार करेंगे, फिर हम दोनों गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। याला ये बच्चा। मिस दैमित घर पर है? वो नहीं है, काम से बाहर गई है। ठीक है, हम पानी में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। दैमित घर पे नहीं है, सब ठीक हो, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दूसरी तरफ एक कामयाब बिजनेस वूमेन हूँ, मैंने अपनी सोशल लाइफ कभी नहीं छोड़ी। जब वो हमें ऐसे देखेगी ना यहाँ, तो बोलेगी तुम लोग गरीब मिडिल क्लास लोग, मुफ्त में पूल क्या देखा, तो आ गए यहाँ पर फौरन डुबकियां लगाने, ऐसे ताने मारेगी। खैर, तुम इस औरत को बहुत अच्छी तरह जानती हो। बहुत अच्छी तरह। लड़की आसुमन, तुम यहाँ अकेली पागलों की तरह बैठी रही, उस छोटे बच्चे के पास पूल में आ नहीं सकती थी क्या तुम? मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पर मुफ्त में पूल मिल गया है, मैं यहाँ पर सुकून से लेटी हुई हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अभी पूल में जाने का कोई मूड नहीं है। आसुमान, अब तुम कहाँ जाओगी? फिजियोथेरेपिस्ट है वहाँ। बुलुत ने मुझे डराया जैसे ज़ॉम्बी, अल्ट्रा वायलेट रेज़ और ना जाने क्या क्या। तो सच कह रहा था वो बच्चा? देखो मैं कहीं जल तो नहीं गई। तुम बिल्कुल भी नहीं जली आसुमान। हकान भाई आ गए हैं। 10 बार साबरी साहब, तुमसे 10 ट्रक चाहिए थे हमें, आपने सिर्फ 7 भेजे। खुशामदीद। भाई के लिए चाय लाओ। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। तुम सवाल का जवाब दो, ट्रक कहाँ है? भाई, ट्रक की सेटिंग का काम खत्म नहीं हुआ, हमें बहुत जल्द अच्छे ड्राइवर को अरेंज करना जरूरी है। एक शिफ्टिंग अरेंज करो साबरी, एक सीक्रेट ड्राइवर का इंतजाम करो। तुम्हारे कम ट्रक भेजने की वजह से वो चला गया, नहीं तो मैं टेलीफोन करता हूँ ट्रांसपोर्ट कंपनी को। मेरे भाई, मैंने कहा था कि हमें 10 ट्रक की जरूरत है मेरे काम के लिए, बाकी मैं देख लूंगा। भाई परेशान ना हो आप। कुछ नहीं पता, ऐसे मत करो तुम, मगर जैसे तुम्हें पता हो ऐसे करो।
साबरी मुझे पागल मत करो और आदमियों को देखो, बोर्ड पर भेजो वो डब्बे वहां से बाहर है, रोकना मत उन्हें। बस अब काम करना शुरू करें भाई। मैं बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, समझे तुम? अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा, अगर मुझ पे कोई मुसीबत आई। रुको, तुम इस जिंदगी में नहीं रहोगे, समझे तुम? ठीक है भाई। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। क्या किया तुमने? तुमने काम संभाल लिया है क्या? मैंने काम पूरा कर दिया। मैंने उस गाड़ी से पार्ट निकाला और तोड़ दिया। सालों तक पता नहीं लगा पाएंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत खूब। ठीक है, कहाँ हो तुम? कंपनी में हो क्या अभी? डैमिट मैम भी कंपनी में। ज्यादा नहीं रुकी, अचानक वापस आ गई और फिर मैं उन्हें मॉल छोड़कर आ गया। शॉपिंग के बाद उसने तुम्हें वापस लाने के लिए नहीं कहा क्या? शॉपिंग उसने उसी जगह से की थी? नहीं, वो खुद टैक्सी लेकर वापस आ गए। ठीक है, फोन काटो। और हम आगे चलते हैं। नहीं करो यार, मना कर रही हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ पाई इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आई हो ज्यादा अच्छा है। मैं वहाँ सबको जानता हूँ लेकिन यहाँ पर अकेला हूँ। इतना समझदार होने के लिए बहुत शुक्रिया। समझदारी क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत शुक्रिया। कभी कभी तुम बिल्कुल बड़ों जैसी बातें करते हो, जैसे उन सारे सवालों का हल तुम निकाल लोगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं मगर मेरे ख्याल से अच्छी बात की है तुमने, एक बार फिर शुक्रिया। और बताओ ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? इलाज बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सिर से थक गया हूँ, अब मुझे ऐसे ही चलना है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तो हम मिलकर गेम खेलने चलेंगे। हमने एक बार खेला भी था, अब मैं मामू। ठीक है, डेनिस को बताऊंगी, तुम ठीक हो जाओगे तो चलेंगे। हुर्रे, नाली भी आएगी ना? ये ठीक है। सुमन, उस लड़की से एक बात पूछूंगी मैं। ठीक है, एक बात पूछती हूँ। क्या है? हेलो हेलो, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं? हाँ हाँ। ओह, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा आपसे एक बात पूछूंगी, अगर आप मुझे बता दें। ये मेरे पीछे ना हिप बोन के पास बड़ा दर्द रहता है, क्या मसला हो गया ये जरा आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से ये ठीक होगा? अगर आप मुझे बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना। जरा एक आध एक्सरसाइज करके दिखा देना मुझे। हाँ, आप एक काम करें, पहले हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर अपना एमआर या एक्सरे करवाइए। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये छोटा सा दर्द है बस। अगर आप मुझे एक्सरसाइज दिखा देंगी ना तो फिर मैं खुद ही कर लिया करूंगी रोज, बड़ी बात नहीं है ज्यादा। ये सच तो ये है कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहूंगी। अगर आप चाहें तो हमारे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लें। जरूर, बिल्कुल, हम आपके हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट जरूर ले लेंगे। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ले लेंगे। ये तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम तो इस तरह की बातें करके बेइज्जती करवा रही थी। इस तरह के काम ऐसे पूछे जाते हैं क्या? तुम पहले खुद को तो देख लो। आसुमन बातें कर रही है, लालची गयेंगी। क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक सीधा सवाल जाकर पूछा था, लेकिन वो बिना पैसे लिए जवाब ही नहीं देना चाहती। जाहिर सी बात है, वो क्यों बताने लगी? हाय, बस बस 5 मिनट और रुक जाइए। आसुमन चलो रेस लगाए। ठीक है। हाय, बिल्कुल भी ना बेईमानी नहीं करना। फरीद, क्या तुम्हें याद है कि जब हमारी मंगनी हुई थी तब भी तुम ऐसे ही बीमार हो गए थे और मैं ख्याल रखती थी तुम्हारा? मुझे याद नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें याद ना हो, बल्कि तुम्हारा तो टेम्परेचर भी मैं ही देखा करती थी और जो टेम्परेचर मैं पहले बताती थी असल में भी वही निकलता था। मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। दैमित, तुम्हें ये बातें याद नहीं है या याद करना नहीं चाहते तुम? ऐसी कोई यादें याद नहीं रखना चाहता जिसकी कोई कीमत नहीं मेरी जिंदगी में। फोन बज रहा है तुम्हारा। मेरी जान, क्या हाल है? क्या कर रही हो? कहाँ हो तुम? बाहर आई थी मैं। क्यों? शॉपिंग के लिए। मैनिक्योर के लिए। सोच रहा था कि तुम केबिन में चेंज कर रही हो शायद।
अरे नहीं, पार्लर में रश ज्यादा था, रश की वजह से बेल की आवाज नहीं सुन सकी। तुम कहाँ हो? मैं खाना खा रहा था। मीटिंग थी, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं वापस आ रहा हूँ, मिलते हैं जल्दी। बस मेरा भी काम थोड़ा सा रह गया है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। छोटा सा काम। नाज़ली? जी मिस डेमिट, क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा पानी दोगी प्लीज? नाज़ली, मैं उस टाइम के रवैये की तुमसे माफी मांगती हूँ। जानती हो, पुरानी आदतों को कोई भी नहीं बुला सकता। हम अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन फरीद अब भी मेरे लिए खास है। आप लोग साथ थे? हाँ, तुम नहीं जानती, फरीद और मेरी तो मंगनी भी हुई थी। हम दोनों बस शादी करने ही वाले थे, मगर नहीं हो पाई, हम अलग हो गए। और अगर आज आए हो तो इस घर में एक अजनबी बनकर। पानी दो। बहुत शुक्रिया। मैं पिछली तमाम बातों को सोचकर बहुत अफसरदा होती हूँ, यानी जब से मैं और फरीद अलग हुए हैं, और ये सब फरीद के रवैये की वजह से हुआ है। ऐसा दुख जिंदगी में किसी को भी ना मिले। तुम जानती हो, जब मैं और फरीद साथ थे तो फरीद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक कह रही हो, तुम्हें ये सब कैसे पता चलता? क्योंकि फरीद अजनबियों से दिल की बातें कहाँ शेयर करता है, उसकी आदत है, अपनी खुशी और गम को अपने दिल में ही रखता है। वाकई? सबको अंदर रख के जीता है वो। हाँ, एक बात तुमसे और कहना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बुलुत का साथ तुम हमेशा ऐसे ही देती रहना। बहुत शुक्रिया मिस डेमिट, बहुत मदद की आपने मेरी। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम मुझे दोबारा माफ करना, मैं बीच में नहीं आना चाहती हूँ। हम हमेशा से ऐसे ही थे, बहुत तकलीफ पहुँचाई है हमने एक दूसरे को। सबको समझती हूँ मैं। काफी देर हो गई, मैं अब निकलती हूँ। तुम फरीद को सलाम कह देना मेरा। चलो देखते हैं, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ। दर्द होता है, मैं नहीं कर रहा। डियर ब्लू, देखो तुम फिजिकली पहले से बहुत अच्छे हो गए हो, अब तुम्हारे पास बिना मदद मांगे चलने के लिए कोई वजह नहीं है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ाओ। मैंने कहा ना दर्द हो रहा है। ब्लू, डैमिट मैम के साथ फार्म पे तुम बहुत खेल कूद कर रहे थे, पूल में भी तुमने अच्छी एक्सरसाइज की। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं कर रहा अभी, बस बोल दिया मैंने। क्या दोबारा करें हम? मारो बुलुत, मारो बुलुत, कितनी तेज मारा तुमने, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत तेज मारा, गोल हो गया। बुलुत को देखना चाहिए था, गोल के बारे में सबको बताऊंगा मैं। हकान सीधी तरफ से आया और बुलुत को बॉल पास की, फिजियोथेरेपिस्ट सामने से आ गई और उसकी कमर टूट गई। मेरा शेर बुलुत, बिग बॉस एक बात बताओ, क्या तुम थोड़ा जल्दी ठीक हो सकते हो? मुझे तुम्हारे साथ और खेलना है। दिमित मैम घर पे आ गई क्या? नहीं, वो अभी घर नहीं आई है। ठीक है, शुक्रिया, चलो करते हैं। वाह वाह, बड़े हो गए छोटे उस्ताद, हमसे झूठ भी बोल रहे हैं। दैमित गई क्या? जी चली गई, मैं इसको अंदर रख देती हूँ। सूप वापस क्यों ले आई तुम? आपने कहा था मैं नहीं पीऊंगा। मैंने पिया तो था। ठीक है, ठंडा हो गया, गरम करके लाती हूँ। अब मैं पहले से बेहतर हूँ। क्या हुआ, सूप के लिए तुमने जिद करना छोड़ दी? फरीद साहब, मिस डेमिट से आपकी मंगनी हुई थी,
बल्कि आपकी शादी होने वाली थी और वो अलग हो गई। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? ये बात तुम्हें क्यों बताना जरूरी है? तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मुझे क्यों दिलचस्पी हो रही है पता नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। मिस डेमिट बुलूत की पुप्पो हैं। जब मैं इस घर में आई तो ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने ना किया हो, ताकि बुलूत का ध्यान हटा के आप उन्हें टेंशन देके अपना बदला ले सकें। आप चाहते थे कि बुलूत मेरे पास रहे ताकि अपनी पुप्पो से अटैच ना हो। नाज़नी तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं सब अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। मुझे लगता था कि आपको बुलूत की वाकई में फिक्र है, लेकिन सारी मुसीबत आपके जाती रिश्ते की वजह से थी, और इसीलिए आप ना ही बुलूत को रोक सके और ना ही उस जज को। हेलो मेरे दोस्तों। हेलो। मैंने सुना कि फरीद साहब बीमार हैं, इसलिए दौड़ा चला आया। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। भाई तुम्हें प्यार नहीं करूंगा अगर तुम्हारा वायरस मुझे लग गया तो। सालों से बीमार नहीं पड़ा था ये। मैंने जब सुना कि फरीद साहब बीमार हैं तो फौरन भागा आया मैं। तुमने मिस कर दी हमारी बातें, मैं लेट नहीं जा रहा हूं अंदर। अरे भाई मैं आकर तुम्हें सुलाता हूँ, कुछ बच्चों की कहानी वगैरह सुनाते हैं आपको। साल 2017 में बीमार पड़े थे हमारे प्यारे फरीद साहब, मैंने बच्चों की कहानियां सुनाई। खैर उससे पहले ही सही होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वालेकुम सलाम, तुम्हारी मोहब्बत सबसे खूबसूरत है। क्या हाल है, कैसा गया तुम्हारा दिन, क्या किया तुमने, कंपनी में कौन था? मैंने सोचा कि मैं खुद जाके वहाँ देखती हूँ, वैसे वहाँ कोई नहीं था। मैंने इकबाल मैम से बहुत देर तक बात की और उसके बाद मैं पार्लर चली गई। वाओ मेरी जान, तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं, वही सब कुछ जो करता हूँ। थोड़े से काम थे बस, उन्हें निपटाया मैंने बाहर ही, वकील से मिला, बस ऐसे ही काम, कोई खास नहीं। आओ मेरे पास आओ। नहीं ऐसे नहीं, ऊपर जाके चेंज करती हूँ फिर आती हूँ। ये प्याज काटना बहुत रहता है मुझे। तुम रहने दो, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें ये सूट नहीं करता। तुम कैसे कर लेती हो, रोना नहीं आता? मुझे नहीं होता, मैं अपनी सारी तकलीफें किचन में ही जीती हूँ। मैं किलो किलो प्याज काट लेती हूँ। डेनिस, 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 प्याज ऐसे काटते हैं क्या? मैंने तुम्हें ये सिखाया था? कैसे, कितने अच्छे से किया है मैंने, मैंने छोटी छोटी काटी है। देखो डेनिस, तुम इस घर के रूल्स को नहीं जानते हो। इस घर में कभी भी प्याज इतनी छोटी छोटी नहीं कटती है। क्यूब की तरह काटो, एकदम सिमेट्रिक में। हाय हाय हाय, प्याज को भी काटने का कोई तरीका है क्या? ओहो, इस घर में बहुत सारे तरीके हैं। तुम्हें क्या पता मैं कैसे रहती हूँ, तुम नहीं समझोगे। जैसे कि सैलेड में क्यूब्स में प्याज होनी चाहिए, वरना तुम जॉब से गए। भाई फरी साहब, गलत प्याज काटने वाला मैं हूँ, गलती मेरी है। ओके पागल हो क्या तुम? चलो चलो ठीक है, तुम जाओ मैं बना लूंगी। जाओ बीमार का ख्याल रखो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद बहुत अच्छा करूँगा। पता नहीं डेनिस, क्या मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ? मेरी आंखों में देखो कितना सच बोल रहा हूँ मैं। क्या सच में डेनिस? तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं दिख रहा, मुझे यकीन हो गया। चलो मुझे हंसाओ मत। अब सुनो तुम, असल में कोई आवाज नहीं आ रही फरीद साहब की। नहीं मैं नहीं सोया, तुम लोग मजे करो, मेरा मत सोचो। इस इंसान को सुकून नहीं। फरीद को बीमार रहने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़े नखरे हैं उसके। थोड़े नखरे? सुन रहा हूँ मैं डेनिस, बहरा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ फ्लू हुआ है मुझे। अरे भाई नाराज मत हो, मैंने तुम्हें बीमार होते हुए पहले भी देखा है। गर्मियों के दिनों में जो फ्लू हुआ था बहुत मजा आया था उसमें। तुम्हारे इतने अच्छे काम के बिना पे मैं तुम्हें डेनिस शेफ का टाइटल देना चाहती हूँ, तुम एक अच्छे साथी हो। कॉफी टाइम। और तुम्हारा इनाम है कुकीज। इतने सारे काम का बस इतना सा तोहफा?
ऐसे दोगले मत बनो, अभी तक तुमने कुकीज देखे भी नहीं है। ओह, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये कुकीज चॉकलेट के हैं। गर्म है, आराम से खाना। ओह, ओह, बहुत ज्यादा गर्म है यार, मुंह जल गया। मेरे ख्याल से तुम पास्ता कैफे जैसा कुछ खोल लो, चलेगा वो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं आने दूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा करियर एज ए शेफ अच्छा है। बस समझ लो, हॉबी समझ के करता हूँ। पहले ही तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है डेनिस। आज शाम आलिया के कॉन्सर्ट में आओगी नहीं तुम? आऊंगी ना बिल्कुल, लड़कियों ने बताया था उसके बारे में। अगर कहो तो शाम में साथ चलते हैं दोनों। ये कह रहे हो कि अभी चलते हैं, यानी ये सारा काम यहाँ छोड़ के चले जाएं हम? इंतजार करने में तकलीफ हो रही है क्या? मुझे अभी काम है, तुम चले जाओ, मैं पहले घर जाऊंगी, चेंज करूंगी, लड़कियों के साथ आ जाऊंगी। ठीक है। मैं दो बिस्किट और ले सकता हूँ अगर इजाजत हो? तुम्हें दो दिन और काम करना होगा। दिल से? बिल्कुल करना होगा, इतने मजेदार कुकीज के लिए। ठीक है। बहुत टेस्टी है मगर। सही कहा। बिस्किट खाओगे फरीद? नाजली ने बहुत अच्छे बिस्किट बनाए हैं, खा लेगा ना वो भी? मैं निकलती हूँ। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ नाजली, तुम जाओ। लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं, मेरे ख्याल है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब कौन जाएगा हॉस्पिटल, ये बस फ्लू है और ठंड लगी है मुझे, अब इसको मत बढ़ाओ। मैं बात को नहीं बढ़ा रही, सिर्फ कह रही हूँ डॉक्टर को दिखा दें आप। ठीक है नाजली, मैं डॉक्टर को कॉल कर लूंगा। फरीद साहब, मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखा दें, अगर खुद कॉल नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ। नहीं, इतना नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूंगा, कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है? ठीक है। हेलो डॉक्टर। फतूश, तुमने वाकई में ये ड्रेस बहुत अच्छी बनाई है, तुम्हारा शुक्रिया। आई, मैं भी तो देखूं। ओफ, ये कितना प्यारा है, प्लीज ऐसा मेरे लिए भी बनाना। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही सेम ड्रेस बना दूंगी, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि बिजनेस ही शुरू कर देती हूँ। मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बनाती हूँ और ड्रेसेस की फोटोज वहाँ लगा देती हूँ, इस तरह तुम मशहूर हो जाओगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ऐसे मजाक मत करो, मेरी कौन सी मास प्रोडक्शन है, बातें देखो जरा इस लड़की की। अल्लाह अल्लाह। फतूश, आज के बाद से तुम मेरी फेवरेट डिजाइनर हो, अब देखना मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगी और मैं जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही होंगी तो तुम साथ होगी। हाय हाय, इंशाल्लाह। वैसे मैं तुम्हारी कहानी में किधर हूँ? तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बन सकती हो, बस अपना सुलूक अच्छा रखो तो मैं तुम्हें भी कुछ काम दे दूंगी। हेलो नाजली। फतूश, मैं लेट हो जाऊंगी। ये क्या कह रही हो कि मैं लेट आऊंगी? नाजली यार, तुम कहाँ हो, हम तैयार हैं, बस निकलने वाले हैं हम लोग तो। फतूश, समझने की कोशिश करो यार, मैं काम से अभी नहीं निकली, फरीद साहब बहुत बीमार हैं। फरीद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से देर हो जाएगी उसे। फरीद? हमारा फरीद, आयरन मैन, हमारा फरीद तो कभी बीमार नहीं हुआ। हेलो नाजली, देखो आलिया क्या कह रही है कि फरीद साहब तो कभी बीमार नहीं हुए, लग रहा है लड़की देखकर फिसल गए हैं वो। तो मजाक मत करो, वो इंसान सच में बीमार है, बहुत बुखार है, फ्लू भी है उसे, थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा। अल्लाह मेरी जान, अल्लाह अल्लाह, तुम क्या करोगी उसके साथ, तुम डॉक्टर थोड़ी हो। मैं उसके लिए परेशान नहीं हो रही फतूश। लेकिन कोई नहीं है उसके पास, अकेला है बिल्कुल। डॉक्टर को आने दो, वो चेक करके निकल जाए, फिर आ जाऊंगी, वहीं मिलते हैं। अच्छा सही है सही है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना, ठीक है? चलो के बाय। आलिया बात सुनो, मुझे दो, मैं तुम्हारे सही से बाल बनाती हूँ जरा।
अच्छे से बाल बनाना जरूरी है। ठीक है मुझे दो। लंबी सांस लें और लंबी लें। मुझे दो, मैं देखता हूँ। ओहो, क्या हो? मैं मर रहा हूँ क्या? आपको बुखार काफी है फरीद, वाकई तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंने कहा था तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है फरीद, और इसका आसान हल था मेरे पास आना। आप इन्हें सूप वगैरह दें और जितना हो सके आराम करें, उसके बाद आप मेरे हॉस्पिटल आए। खैर छोड़े, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे इलाज के लिए किसी और को भेज दूंगा। आज शाम आपके पास कोई होगा ना? ठीक है, मैं पर्ची में दवाइयां सारी लिख दूंगा और उसे किस तरह खिलाना है ये भी लिख दूंगा। दवाई खाने के बाद मुझे फौरन खबर करना। मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हाँ, ज्यादा पानी पीना। अगर मैं तुम्हें शावर लेने के लिए कहूँ तो तुम शावर लोगे, इससे तुम्हें फायदा होगा। समझ गए? तुम सब आज यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। हमें भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा आलिया। हम सब यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, है ना पतोष? पतोष, मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार। यार आंसू पर मुझे पहले ही बहुत चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मुझसे बात मत करो। तुम्हारे लिए एक सोडा लेकर आऊँ क्या मैं? हैं? सोडा लेकर आऊँ क्या तुम्हारे लिए? अरे सोडा, इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लाओ। ठीक है फिर, मैं लीमू सोडा लेकर आता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम एंगिन की वजह से परेशान हो रही हो? हाँ शायद। दरअसल मुझे पता नहीं है कि जब मैं उसे मिलूंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा इस वजह से। क्या अगर मैं उससे बात करूँ तो मेरी बातों का जवाब देगा? मुझे लगता है वो सुनेगा। हाँ तो क्या कहूँ मैं? जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो सब कुछ कह देना उससे। फतह हमेशा समझदारी की होती है। हाँ। अरे एंगिन आ गया, एंगिन आ गया। देखो आलिया, मैं पीछे के दरवाजे से ना चुपचाप निकल जाती हूँ। तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, इधर आओ। खुद पर यकीन रखो, समझी? तुम क्या पागल हो गई हो? यही खड़ी रहो, इत्मीनान रखो और जाकर उसे सब कुछ सच सच बता दो, जो भी है। तुम्हारे लिए आसान होगा ये कहना, मैंगिन से मोहब्बत करती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है कि मैंगिन पसंद है मुझे। ठीक है, जाओ और जाकर बता दो सब कुछ उसको। मैं बताऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, सब कुछ साफ साफ बोल दो। ठीक है, तो फिर मैं कहने जा रही हूँ। शाबाश, जा रही हूँ मैं। चलो, एक दो तीन। हेलो एंगिन, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं फतोष, मैं पछता रही हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा खैर, मैं किसी फतोष को नहीं जानता वैसे। बस एक फतोष को जानता हूँ, वो किसी फैशन हाउस की मालिकन है। और इतना बता दूँ कि वो मेरे ख्यालों में पहले ही मर चुकी है। ऐसे तो मत कहो ना, मुझे बुरा लगेगा। एंगिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो ये किसी को कहना आसान नहीं है ऐसे, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए सोचा कि कही देती हूँ आज ये। कहूँ मैं? कहो, क्या है? मुझे माफ कर, सच में प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो सच में मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, कसम ले लो तुम। कुछ ऐसी गलत फहमी हो गई थी कि ये बात झूठ का पहाड़ बन गया था। छोटी छोटी बातें मिलकर इतना ज्यादा झूठ बन गए थे कि मैं उसके पहले दब गई थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किल में थी। मैं क्या करूँ, मैं उस झूठ में फंस गई थी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं वहीं फंसी रहूंगी। फिर क्या कहने वाले हो तुम? गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा? फतोष, सिर्फ तुम अकेली परेशान नहीं हो, मेरा दिल भी परेशान है बहुत। माफ करना, मुझे एक बहुत ठंडी सी ड्रिंक देंगे क्या आप?
नाजली, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा घूमूंगा, ताजा हवा लगेगी। अगर मुझे जाना होगा तो चली जाऊंगी, आप बैठ जाएं, मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। दिन ब दिन आपका रंग बदल रहा है, बहुत बीमार हैं आप। अगर तुम वहाँ नहीं गई तो तुम वहाँ का सोचती रहोगी। रहेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं एंजॉय बाद में भी कर सकती हूँ, किसी और दिन चली जाऊंगी। मगर आप बहुत ही कम बीमार होते हैं, मैं कहती हूँ कि इस सिचुएशन को एक अच्छे मौके की तरह लेते हैं, और मैं आप पे सारे एक्सपेरिमेंट्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। तुम हर चीज को एंजॉय करती हो, ये बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। शुक्रिया। एंजॉय करें, और बीमारी कोई मजाक नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन बीमारी में हर किसी के जज्बात इमोशंस चेंज होते रहते हैं, आपके साथ ऐसा होता है? बस इतना नहीं है। हाँ, मगर मैं अपनी जिंदगी में सारे इम्पोर्टेंट चीजों को तवज्जो देता हूँ। ओ फरीद साहब, सब काम दिमाग से नहीं होते, कुछ काम दिल से भी होते हैं, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। हाँ, अगर आप राय लेने पे मुतमईन हैं तो ये मसला हो सकता है, जैसे कि तुमने यहाँ रुकना जरूरी समझा, तुमने अपने दिमाग से ही किया, शायद तुम अपने दिल की सुनती तो यहाँ नहीं होती। सही कहा ना फरीद साहब, आपका हर सिचुएशन में इतना सीरियस होना जरूरी नहीं, मेरा यहाँ रुकना जरूरी था, मेरी जरूरत थी आपको तो रुक गई, कोई बात नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई थी, जाने का फायदा नहीं था। ठीक कह रही हो, बहुत लेट हो गया है, अगर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। समझी नहीं। मतलब बाहर मत जाओ तुम, अगर अभी चली जाओगी तो सुबह कैसे होगी, फिर आने जाने में परेशानी होगी, तुम्हारा रूम तो है यहाँ। गुड आइडिया, मतलब मैं यहाँ रुक सकती हूँ। हाँ मैं रुक जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि दिमाग की सुनना कैसा रहता है। हेलो फतोष। नाजली। फतोष क्या हुआ, ये कैसी आवाज है? एंगिन का दिल बुरा हो गया है मुझसे। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं गई थी एंगिन से बात करने के लिए, मेरे अंदर जो कुछ भी था मैंने उसको सब बता दिया, लेकिन वो उठकर चला गया, उसने मुझे माफ ही नहीं किया। क्या है यार ये। फतोष वो भी ठीक है अपनी जगह। हाँ वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ अपनी जगह पर। प्लीज फतोष, तुम अच्छी लड़की हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो और बहुत स्वीट हो, तुम कर लोगी, बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करना होगी। यार नाजली, तुम्हें पता है कि मैंने कितने गानों पे प्रैक्टिस की थी, मैंने कितना कुछ करना चाहा उसके लिए, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और बस उठकर चला गया। तुम जब आओगी ना कल घर, तो तुम देखना कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है, फिर उस टूटे हुए दिल को बैठकर जोड़ना तुम। फतोष चलो मैं अभी फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। एक मिनट रुको। हेलो, तुम आ नहीं रही क्या नाजली? मैं नहीं आ रही हूँ, फरीद साहब काफी बीमार है, मैंने बताया था ना मैं नहीं आ सकती अभी। यार नाजली, तुम कब से फरीद की इतनी करीबी दोस्त हो गई हो कि उसके पास रुकी हुई हो? बात मत बढ़ाओ फतोष, तुम्हें पता तो है मैं कितनी नाजुक दिल की लड़की हूँ, एक बीमार इंसान को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आ सकती मैं वहाँ। क्या लॉजिक है यार, इसमें क्या लॉजिक है, जरा माफ कर देना, लेकिन ये बहुत ही ना अजीब सी बात हुई है जो तुमने की है अभी, ये मोहब्बत है नाजली। हेलो, अब चुप हो गई है ये लड़की, चलो नहीं करो बात, पागल है ये भी। अरे भाई, इतना परेशान थी ना तुमसे बात करने के लिए, हो ही ना जाए, समझ नहीं आ रहा था उसके, बिल्कुल बौखला गया, फुल परेशान। अब के लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ मैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि एंगन बिल्कुल सही नहीं कर रहा है दोस्तों। क्या मतलब है, माफी भी मांग ली अब और क्या करूं मैं, मतलब उसको मेरे साथ खड़े होने पर भी इतना ज्यादा एतराज है कि वो यहां से चला गया। अरे अभी मत जाओ, नाजली भी आने वाली है। हाँ नाजली नहीं आने वाली है, क्यों? फरीद साहब की तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आएगी आज। शर्म की बात है। डेनिस, तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। दरअसल हमारा गिटारिस्ट बीमार है, क्या तुम उसकी जगह गिटार प्ले कर सकते हो? डेनिस प्लीज प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊंगी और फिर सबको दिखाऊंगी। नहीं यार, ये शर्म की बात होगी उसके लिए, वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। चलो ना डेनिस, आलिया का दिल मत तोड़ना तुम, मैं भी स्टेज पर तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ, शायद इससे मेरा भी कुछ मूड बेहतर हो जाए, प्लीज। चलो ठीक है, चलो और फिर चलते हैं। मेरे घर में भी कोई कानून है। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है बस फतूश। क्या मतलब कानून? आप मुझे बहुत पुराने ख्यालात के लग रहे हैं तारिक, कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं?
आसुमान तुम क्या समझ रही हो पुराने म्यूजिक को? हाँ ये आदत बाबा से ही मिली है मुझे, मतलब मैं फेंकता हूँ, बजता हूँ और क्या करूँ मैं, ऐसा ही जब मैं घर पे रुकता हूँ तो इसी तरह मैं घर पे खेलता हूँ। मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छा करते हो। शुक्रिया। आसुमान वो तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी है? कुछ नहीं हुआ, फिलहाल रुकी हुई है। ठीक है तो फिर एक काम करो, कल सुबह हमारी कंपनी आ जाओ, मिसेस इकबाल से अपॉइंटमेंट ले लेना, उस मसले को हम सुलझा लेंगे। क्या वाकई में? अरे अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी फरीद के साथ क्या बात हुई? दिमित। हाँ, क्या? मैं कह रहा हूँ कि फरीद के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? बताया तो था फरीद नहीं था वहाँ। मेरा मतलब है कि असल में फरीद के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? वहाँ पर कुछ सुना तुमने? क्या कोई बात हुई वहाँ पे? केस के मुतालिक कोई बात सुनी तुमने? ठीक है, मैं मामा को कॉल करता हूँ। चलो देखते हैं। बोलो तो इधर आओ, तुम्हें देखूं। मेरी जान आज क्या हो गया, इस टाइम तक तो तुम सो जाते हो, इसलिए अब जाओ दूध पियो और मेलिस आंटी के साथ जाके रूम में सो जाओ। मुझे मामू से बात करनी है। बोलो डियर, अगर तुम चाहते हो इस वक्त लोगों को परेशान ना करना। उफ़, बोलो ना, मामू से बात करनी है। ठीक है करो तुम, मगर देखो टेलीफोन पर बात करने के बाद सीधा अपने बेडरूम में चले जाओगे। ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करनी है। ये लो। बहुत शुक्रिया। नाजली तुम देख लो, कह दो कि सो रहा हूँ। हेलो बुलूत, कैसे हो? अरे नाजली, नाजली तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ। आपने गलती से नाजली को कॉल कर दी क्या? हाँ सही, ये तो मामू का ही घर है, तुम अभी तक वहाँ हो? हाँ बुलूत, तुम्हारे मामू थोड़े बीमार हैं, इसलिए मैं इनके पास ही रुक गई। आज रात मैं डॉक्टर बनके रहूंगी यहाँ। आप ऐसा क्यों करेंगी? डॉक्टर बीमार लोगों के पास रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगर किसी दिन मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे डॉक्टर बनकर रहोगे मेरे पास? अल्लाह न करे तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मेरे मामू कैसे हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ नाजली प्लीज? वो बहुत बीमार हैं क्या? नहीं बुलूत, बहुत ज्यादा बीमार नहीं हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बीमारी में रेस्ट करना चाहिए। हाँ सही, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ अभी नाजली प्लीज। ठीक है मैं फोन देती हूँ उन्हें। मामू आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे हैंडसम भांजे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपको देखने का दिल कर रहा था। नाजली तुम भी आना सामने, मैं यहाँ हूँ। नाजली मामू का ख्याल रख रही हो ना? फिक्र मत करो, अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मामू नाजली आपका ख्याल रख रही है ना? शुक्रिया, ये मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है। ब्लूड डियर, मेरा ख्याल है अब इतना काफी है। देखो तुम्हारे अंकल बहुत बीमार है, उन्हें आराम करने दें। ठीक है, अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा मामू। चलो गुड नाइट। ठीक है बुलू, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। मैं इसको रख देती हूँ और किचन में जाती हूँ। बुलूत को अंदर कमरे में लेकर जाओ, तुम भी वहाँ पर इंतजार करो। बिग बॉस समझ गए या नहीं समझे?
ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बुलुत। गुड नाइट। डिमिट मैम, क्या कह रही हो इस बारे में? किस बारे में? मेरी जान, क्या मतलब किस बारे में? फरीद के केस की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ पता चला उनके केस की तरफ का? कुछ खबर मिली वहां से? हमें से क्या? क्या मतलब हमें क्या मेरी जान? हम उनकी बात नहीं कर रहे। देखो धीमित, अगर उनके बीच में कुछ है और अगर हम उनको साबित कर दें, कोर्ट में हमारे लिए बहुत फायदा हो सकता है, समझ रही हो तुम? बल्कि अगर तुम सोचो, मतलब मैगजीन की खबर सुन रहा हूँ, जैसे फरीद असलन चीफ के साथ कुछ है। नहीं तो सुनो, नहीं तो फरीद असलन मोहब्बत किचन में ढूंढ रहा है क्या? माफ करना मुझे, मगर बहुत अच्छा किया मैंने। ये फरीद असलन है, देखो उसे उसकी दुम से पकड़ूंगा, घुमाऊंगा घुमाऊंगा, वहां फेंकूंगा, वहां जाकर गिरेगा। उसने किचन में प्यार ढूंढा। Yatak boş, oda boş, ev boş, duvarlara vuran ışık, yüzümde karanlık. Yine mi sen bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, külleri hala sıcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor. Şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece, her gece doğalım. Sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim? Azalırken, azalırken kapılar ardında, kaçtığım zamanlar boş vermiştim aslında. Yıkılırken kumdan kalelerim birer birer karşımda, zırhı paslanmış bir kahraman gibi. Hiçbir şey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, boğulur gibi yeniden her gece, her gece doğalım. Ne oda, ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni फरीद सर, नाश्ता तैयार है। फरीद सर, फरीद सर, तौबा तौबा बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, कहीं मर तो नहीं गए?
क्या कोई ऐसे उठाता है सोते हुए इंसान को? अगर आपको पता हो तो मैं डर गई हूँ, दिमाग हिला दिया मेरा। मतलब आराम से आवाज देती मैं उठ जाता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, 100 बार आपको बाहर से आवाज दी, 200 बार रूम में आकर दी, फिर भी आप नहीं उठे। माशाल्लाह वापस अपने मूड में आ गए हैं। हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। नाजली अगर इजाजत हो तो मैं नहा कर आ जाऊँ। फरीद सर इस घर में कोई सुहाना नहीं है। नाजली इस घर में हॉट टब है, नीचे नहीं देखा तुमने? मेरी जिंदगी तो किचन में ही गुजर जाती है, मुझे क्या पता क्या क्या है। अगर तुम भी चाहती हो तो इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे क्या जरूरत, मैं क्यों जाऊं? चले क्या अब इस कमरे से? बिल्कुल हमें निकलना चाहिए स्लीपिंग रूम से। ओह आज सुबह सुबह कितनी गर्मी हो रही है और तुमने ये इस्त्री लगा ली है। जाओ प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ सही है, सारी गलती हमेशा मेरी ही होती है, मान लिया मैंने। सुबह सुबह मुझे टेंशन मत दो, मेरे हाथ पांव पहले ही कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे उन्होंने बुलाया है, थोड़ा तो समझो प्लीज। जब तुम एंगन से मिली थी तो उस दिन की जॉब एप्लीकेशन है ना ये? ये तो बहुत ही अजीब है यार, तुमने अपना प्यार खो दिया है। इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारे हिसाब की जॉब भी मिल जाएगी। बहुत लंबी जबान है तुम्हारी माशाल्लाह। मेरा आज का दिन निकल जाए उसके बाद पूछूंगी तुमसे। देखो आज मुझे इंटरव्यू देना है और मुझे कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, मेरी भी अगर नाजली जैसी बाजी होती तो मैं भी बहुत पुरसुकून होती इस वक्त, मगर अफसोस मेरी नाजली जैसी कोई भी बहन नहीं है, मुझे अपने लिए खुद पैसा कमाने की जरूरत है। अब तुम समझी मेरी घबराहट? हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो आपा कितना काम करती है, हद तक कि वो रातों को घर भी नहीं आती, वहीं रहती है। उफ़ अल्लाह सुमन, बेवकूफों वाली बातें बंद कर दो प्लीज। अल्लाह अल्लाह लड़की, वैसे तुम्हें भी तैयार होने की जरूरत है, तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें भी तो ऑफिस बुलाया था, जाओ जाके तैयार हो। मुझे तुम्हारी तरह सुबह सुबह तैयार होने का कोई शौक नहीं है। इकबाल मैम 11 बजे कॉल करेंगी, तुम्हें तो पता है एंगिन कितना समझदार है, अब वो सुबह सुबह मुझे इतनी गर्मी में ऑफिस नहीं बुलाने वाला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे एंगिन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। चुप हो सुमन, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगी, इस तरीके से ऐसा लाल कर दूंगी ना, याद रखोगी तुम। अच्छा ठीक है, खैर मैं वो तुम्हारी नई वाली ब्लू शर्ट पहनना चाह रही हूँ, तो तुम उसे अच्छे से प्रेस कर देना प्लीज, ठीक है? हाँ मेरी जान, जाओ जाकर तुम वो ड्रेस पहन कर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर इस्त्री करूंगी उसी पर, ठीक है ना, याद रखोगी तुम। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और गर्म भी है। बस बेकरी के पास से गुजर रही थी तो डोनट की खुशबू आई और मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हें पसंद है ना? बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ, पहले सामान निकाल लेता हूँ। असल में तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, इसीलिए आई हूँ मैं, मतलब कल शाम के लिए तुम्हारे साथ सेम स्टेज पर होना, सेम खुशी शेयर करना बहुत खूबसूरत था, बहुत मिस करती थी। मैं भी उन लम्हात को मैं भी बहुत मिस करता हूँ। कल अच्छा परफॉर्म किया तुमने। असल में मैं कहना ये चाह रही थी, क्या हम इस खुशी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं यार, वो मेरा काम नहीं है, खुद को मत थकाओ तुम। ठीक है, एक जगह है, मुझे पता है म्यूजिक सिस्टम भी इतना अच्छा। आलिया मसला ये नहीं है, मसला हमारा रिलेशन है, जानती हो? जानती हूँ, तुम ही बताओ फीलिंग्स का क्या करूं। मैं कॉफी निकालता हूँ। वो मगा आज हवा थोड़ी ठंडी है ना, क्या हम अंदर चलें? नहीं मेरा मूड नहीं अंदर जाने का। दिख रहा है आपको भूख लग रही है, आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं माशाल्लाह। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उस चाय और सूप से ख्याल रखा है तुमने मेरा। बिल्कुल नहीं, कैसी फिक्र, चाय और सूप तो मैं हमेशा से अच्छे बनाती हूँ, मेरी खास रेसिपीज हैं। मेरे पास रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम्म,
ऑमलेट टेस्टी है। तुम्हारी कोई सीक्रेट रेसिपी है क्या? बहुत मजे का है ये। हाँ बिल्कुल, दही दही डालने से इसमें डिफरेंट टेस्ट आता है। अच्छा है, तो क्या तुम अपने किचन के राज हर किसी से शेयर कर सकती हो? सिर्फ खास लोगों से। मेरा मतलब है सिर्फ खास लोगों के लिए अच्छी डिशेस बनाती हूँ। मैंने ये तस्वीरें खोल ली हैं। तो ये हैं आसुमान के मोबाइल से ली गई पिक्चर्स। तो ये सब ट्रांसफर हो गई है ना? बिल्कुल, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं। तुम कह रहे हो कि पता चल सकता है कि ये सेम फोन से ली गई हैं? अगर खोज करे ओरिजिनल की तो हाँ। जबरदस्त, अब नया पेपर खोलो और जो मैं कह रही हूँ उसे लिखते जाओ। ठीक है मैम। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। इस डिस्क का जब तुम पता लगाओगे तो तुम देखोगे कि बुलुत की वसीयत क्यों तुम्हारे हाथ से चली गई। और ये फोटोज तुम्हारी शेफ नाज़ली मैम की बहन आसुमान ने बनाई है। इन सब की इजाजत किसी और ने नहीं, नाज़ली ने दी थी। हो गया जी? ठीक है, अब इसका भी एक प्रिंट निकाल लो। ओके, और फोटोज इस पे कॉपी कर लो। इन सबको इस लिफाफे में डाल के मेरे बताए हुए एड्रेस पे सेंड कर देना। ठीक है, जैसा आप चाहें। हाँ तो फरीद साहब बताइए, देखते हैं फोटोज देखने के बाद आप अपनी उस प्यारी सी नाज़ली को अपने पास रखोगे या निकाल दोगे? तुम्हें पता है ये घर बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी अलग है। कभी कभी ऐसा लगता है एक चीज एक इंसान, जैसे मैं यहाँ का हिस्सा हूँ। तुम्हें भी अच्छा लगा? मेरा पेट भर गया है, तुम और खाओगी क्या? चलें क्या फिर? ठीक है। ये यहाँ पर भी हुआ है, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या बजाएंगे क्या गाएंगे ये सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है। कुछ नया नया सा है। तुम्हें पता है ऐसा ही है, आज तो हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तुम भी आ जाओ ना हमें आइडिया देने। नहीं मुझे नहीं पता। अब कह रही हूँ एक म्यूजिशियन बनकर आओ, एक्स लवर नहीं। तुम्हारे आइडियाज हमारे लिए बहुत अहम है सच में। ठीक है ठीक है। खुश आमदीद। थैंक यू। क्या बता सकती है इस प्लाजा में फैशन हाउस है, उसका ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? 8 फ्लोर पर है। ठीक है, रास्ता वहां से है। शुक्रिया आपका। एंगिन, अरे तुम मेरे पीछे कर रहे हो क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे सामने फजूल बातें मत करो, बहुत बुरा इत्तेफाक है ये। देर नहीं हो रही होती तो मैं आता भी नहीं, यहाँ मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं सब। इस बिल्डिंग में क्या काम है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो मगर तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। इस बिल्डिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनमें से किसी एक में मेरी मीटिंग है, इसलिए अपने काम से काम रखो बेहतर होगा। ये क्या हो रहा है एंगी? ये क्या हो गया? लाइट गई। एंगी क्या हो रहा है यार, ये लिफ्ट में फंस गए हम लोग तो। कुछ करो, कुछ बोलो, किसी को बुलाओ यार। फतोश पागल हो क्या, मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? अरे हमारी जिंदगी लिफ्ट में फंस गई है, कैसे मैं चुप रहूं, बताओ बुलाओ किसी को। खामोश नहीं रह सकती क्या? अच्छा ठीक है, क्या करेंगे हम। एंगिन में बहुत पैनिक हो रही हूँ यार, यह वेंटिलेशन वगैरह सब बंद हो गया है, हम मर जाएंगे यार यहाँ पे। फतोश मुंह बंद। क्या कर रहे हो तुम? चुप होने को कहा है, सुनाई नहीं दिया। हेलो तारिक, प्लाजा की लिफ्ट में हूँ मैं और ये लिफ्ट बंद हो गई है, किसी को लेकर आओ यहाँ पर। अरे मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी करो जो भी करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कोई आ जाएगा ना अभी? अ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब के लिए एक लेटर है, ये उनको दे दीजिएगा। किसने भेजा है? वो नहीं पता, अंदर कुछ लिखा है। चलता हूँ। शुक्रिया। देखना आज आखिरी दिन होगा हमारा, मैं कह रही हूँ। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। ये सब क्या मेरी वजह से हुआ है? हा? हाँ, ये सब तुम्हारी जो नेगेटिव एनर्जी नहीं है उसकी वजह से हुआ है। अच्छा ऐसा है? अगर मैं कहूँ तुम्हारी वजह से हुआ कैसा लगेगा? काश मैं सीढ़ियों से ही चली जाती। आइंदा ऐसी करना। काश कि मैं कभी तुम्हारे साथ दरवाजे में ही नाटकी होती। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता फतोश। इतना भी कोई जालिम होता है क्या एंगिन? जालिम मैं नहीं, जालिम तुम हो फतोश। कोई हमें बचाने क्यों नहीं आया अभी तक? अरे यार, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कौन से फ्लोर पर हैं। किसी को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? फतोश पैनिक क्रिएट मत करो, थोड़ी देर में हो जाएगी सही। मैं ठीक नहीं हूँ फतोश। सांस नहीं ले पा रही मैं। फतोश, फतोश ठीक है? कुछ सांस नहीं आ रही मुझे। फतोश, फतोश बैठो, 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 मेरे पास आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ। तारिक को फोन कर दिया था, वो किसी को लेकर आता ही होगा। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। तो इधर आओ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। फतोश मैं हूँ ना तुम्हारे पास, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। फतोश, फतोश घबराओ मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो अपनी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम सोचो कि तुम मेरे साथ समंदर के किनारे पर हो। गहरी सांस लो, तुम बीच पर वॉक कर रही हो। शाबाश, तुम्हारे पैरों के नीचे गीली मिट्टी है। तुम्हारे कानों में समंदर की बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। इस तेज हवा से तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं। यह हवा तुम्हें गहरी सांस देगी, और गहरी सांस लो। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। तुम मेरे पास हो एंगिन। सूरज बस डूबने ही वाला है। मैंने एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत। दूर एक बोट जा रही है, देखो ये डूबते हुए सूरज की रोशनी कितनी हसीन लग रही है, देखो जरा। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत तेज। हाँ, समुद्र की खुशबू बहुत हसीन लग रही है। हम हंस रहे हैं, हम खुश हैं दोनों। मेरा फॉरेन मीटिंग में जाना जरूरी है, उसके बाद कंपनी चलेंगे हम। ठीक है एंगेज साहब, हमें माफ करना, जल्दी ठीक हो जाएगी ये। यह एक फैशन हाउस है ना, 8th फ्लोर पे। मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी, लिफ्ट में फंस गए थे हम लोग, बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं। सीढ़ियाँ कहाँ हैं? ठीक है, शुक्रिया तारिक। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, इसमें मैंने हर चीज मेंशन कर दी है कि मुझे काम का एक्सपीरियंस है, मगर असल में मेरी इंग्लिश अच्छी है, खास तौर पर इस तरह की कंपनीज में काम करने के लिए। ठीक है, असल में इंगिन साहब भी हमारे साथ इस मीटिंग में होते, लेकिन अचानक से कुछ काम आ गया जिसकी वजह से वो लेट हो गए हैं। आ गए। हेलो, देर से आने के लिए माजरा चाहता हूँ। बात हुई आप दोनों की? जी, मैंने मैडम को हर चीज बता दी है। आप तो जानते ही हैं मैं टूरिज्म कोर्स कर रही हूँ, लेकिन असल में वो मैं नहीं करना चाहती। यानी मैं जो करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस कंपनी में काम करके आगे के लिए एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। मिसेस इकबाल, हमारे डिपार्टमेंट के इंटर्न ने हमें छुट्टी के लिए कहा था, पर वो भाग गई है। कोई खबर नहीं दी उसने। उसकी जगह आसुमान लेगी अब। आसुमान, मेरे साथ काम करोगी तुम, डिसिप्लिन में रहोगी तुम, अपनी आंखें भी खुली रखोगी, मेरी सब बातों के नोट्स बनाओगी तुम। अगर हम दोनों में से किसी एक को भी तुम्हारा काम पसंद आया तो कुछ ही अरसे के बाद तुम हमारे साथ जॉब जारी रख सकती हो। इस चीज को बस तुम एक टेस्ट की तरह ले लो। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। मिसेस इकबाल, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है आसुमान, कल सुबह ऑफिस से मुलाकात होती है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैं भी देख लेती हूँ, जो बकाया डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ढूंढ लो, जब कल सुबह होगी तो लेती आना, ठीक है? मुबारक हो। शुक्रिया।
देखो ये 1957 में शिकागो में बनी थी, आज कोई ऐसा नहीं बना सकता। अगर तुम चाहती हो तो डेनिस से पूछो। नहीं, मुझे आपके ऊपर यकीन है। तो तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम इसे अपनी आंखें बंद करके सुनो। बहुत खूबसूरत। इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आते हैं? बचपन में पियानो की क्लास ली थी मैंने, इटालियन टीचर थी, बहुत अच्छी थी वो। बहुत अच्छे, नाम भी अच्छा है। मेरी फेवरेट टीचर थी वो। इटली में अपने टाइम पे बहुत कॉन्सर्ट किए हैं उन्होंने, और यहाँ सिखाती थी वो। क्या बात थी उनकी, तुम्हें पता है बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। और सोचो उस उम्र में वो मुझे मोजार्ट सिखा रही थी। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा मुझे? 3 साल बाद कहती हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो अपने मुल्क चली गई और वहां जाकर उन्होंने शॉप खोल ली। मैं तब से म्यूजिक सुनता हूँ। सार्कुट बहुत अच्छी होती है। केक बन गया, अभी लेके आती हूँ। अरे कैसे हो? हाँ बहुत अच्छा था सब कुछ, मगर ड्रम में थोड़ा सा बदलाव हो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें सच में पसंद आया? बेफिक्र रहो, कुछ भी गलत होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो मेरी पुरानी एक्साइटमेंट वापस आ गई, मुझे लगता है मेरा इस जगह से कुछ है। तुम भी बदल गई हो। आलिया मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं कि हम चेकलिस्ट में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ। इसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो पुरानी आलिया वापस आ गई। खुश आमदीद सर, बहुत शुक्रिया। आलिया मैम और उनका ग्रुप बहुत एनर्जी वाला है, मगर उनको एक बड़ी खबर देनी होगी मुझे। क्यों, खैरियत है? ये जगह खोलने से पहले बहुत प्रॉब्लम आ गई है, बस इसे बंद करना होगा। तो बंद कर रहे हैं क्या? जी हाँ। वैसे कितना सीरियस मसला है ये? ये जगह हमें लेनी होगी जनाब। कुछ अजीब सी खामियां हैं इसके एग्रीमेंट में। वो बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहा है। फिर भी कितना मांग रहा है? बहुत बहुत ही ज्यादा। मेरा मतलब है इतने पैसे नहीं है कि मैं ये जगह ले लूं। वो पहले ही चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। वो यहाँ पर अपनी मार्केट बनाएगा। मार्केट? मार्केट तो पहले से ही बहुत हाई है, यहाँ आलिया के लिए बहुत अच्छा है। वो अभी ठीक होना शुरू हुई है। अगर मैंने ये बंद कर दिया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। मैं किसी और को देने की सोच रहा हूँ, मगर बहुत ही मुश्किल है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो खरीद सके। आप ये जगह किसी और को दे दीजिए, मगर हमें रहने दें, हम रेंट की बात कर लेंगे इसके नए मालिक से। आपके पैसों के लिए माफी चाहता हूँ, डेड इन्वेस्टमेंट। उसकी फिक्र मत कीजिए आप। क्या ये जगह आप मुझे देंगे? मेरे लिए तो अच्छा होगा, अगर आपको चाहिए तो क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, डील डन हुई। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे आप, बिलखुसूस आलिया को, ठीक है? समझ गए डैनी सर। असल में मैंने अपने रास्ते कामयाबी के रास्ते के साथ जोड़ लिए हैं। कैसा फैसला मुझे भी बताओ। इंटर्नशिप शुरू की है यहाँ, एंकिन साहब के असिस्टेंट बनकर। अब किसी के पीछे छुप का काम नहीं करूंगी मैं। मुझ पर यकीन करने वाले यहाँ लोग और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी आपा, उनको मजीद मायूस नहीं करूंगी मैं। ये बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहना चाहे कह सकती है, मुझे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने इरादे बदल लिए हैं दमित मैम, आज के बाद से आपके साथ कोई रابطہ कायम नहीं रखना चाहती मैं। इत्तला के लिए अर्ज है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किसके साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, बेवकूफ लड़की। थोड़ी देर बाद जब गड़बड़ हो जाएगी तब देखूंगी तुम्हें।
कौन सी गड़बड़, क्या बात करी है आप? कौन सी? वही गड़बड़ जो तुमने खींच के भेजी थी मुझे, याद आया कुछ तुम्हें? वो फाइल्स ऐसी हैं जिससे फरीद बहुत आसानी से केस हार सकता है। क्या किया है आपने? पता चल जाएगा, और तुम्हारे इस कारनामे का फरीद को भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो फोटोज मैंने एक लिफाफे में रख के फरीद को पहुंचा दी। क्या, ये आप कैसे कर सकती है मेरे साथ? ये तो दुनिया का रूल है मेरी जान, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, और तुम और तुम्हारी बाजी छोटी जैपनीज मछलियां हो, और मैं इस पानी की कुई। अब समझ तो गई हो कि तुम क्या हुआ, अभी तक कोई कयामत देखने को नहीं मिली। अच्छा हाँ, फरीद ने लिफाफा नहीं खोला होगा अभी तक। फरीद साहब, वो लिफाफा खोलने के बाद तुम्हें वो इस कंपनी में घुसने भी नहीं देगा मेरी जान। बल्कि कंपनी क्या, तुम्हें तो इस शहर में ही रहने नहीं देगा, और साथ साथ तुम्हारी उस प्यारी बहन को भी। गुड लक मेरी जान। बहुत टेस्टी है ये, इसका भी कोई राज है क्या? मैंने आज तक जितने भी केक खाए हैं ये सबसे अलग है। बिल्कुल, मगर ये नहीं बता सकती। डिजर्ट बनाना है किसी का काम नहीं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। सोच रहा हूँ कि हमें राज शेयर करने चाहिए। ऐसा नहीं है फरीद सर, मेरे बेहतरीन केक के सामने सीनियर रोजेटी क्या? मतलब कि कुछ नहीं बताऊंगी? शायद एक दिन। छोड़े, आप ये बताएं केक कैसा है? है ना बिल्कुल एक मिरेकल जैसा। ऐसे मौजे वाकई में होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, इंसान को चॉकलेट खाते वक्त बचपन के किस्से याद आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत इमोशंस होते हैं। फोन उठा ले आपा, फोन उठा ले प्लीज आपा, फोन उठा ले। पापा क्या हुआ है, फोन उठा ले। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? तुम्हारे होठों के किनारे पर चॉकलेट लगी है। दूसरी तरफ थोड़ी सी रह गई है। मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। बहुत खा लिया मैंने। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। थैंक यू, जब आप कहेंगे तब बना दूंगी, मुझे बहुत प्रैक्टिस है इसमें। कहां से आ गया? लगता है किसी फैन ने भेजा है। फरीद साहब, आप तो ठीक हो गए थे ना? बस ऐसी थोड़ी खांसी हो गई, मैं ठीक हूँ। नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ज्यादा लिक्विड लेने हैं, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। शुक्रिया नाजली, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हरगिज नहीं, ताकि आप और दिन की छुट्टी करें और मुझे यहाँ रोज बैठ के तंग करें। यार आसमान, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। कभी तो एक कॉल पे मेरा फोन उठा लिया करें आपा। यार आपकी चाय में शहद डाल दूं क्या? जैसे तुम चाहो। यार आसमान, अगर कोई जरूरी बात नहीं हुई तो कभी तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी।
आसुमान क्या हो गया, क्यों कॉल्स कर रही हो बार बार? आपा फोन काटने से पहले एक बार मेरी बात सुन ले। फरीद साहब को एक लिफाफा मिला होगा और वो दैमित ने भेजा है। उसमें कागजात है जिससे साबित हो जाएगा कि मैंने पिक्चर्स ली थी और उन्हें दी थी। आप प्लीज कुछ करें आपा, मुझे आपकी जरूरत है। कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन उन्हें वो उन कागजात को पढ़ने से रोकना होगा आपा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी आपा। आप सुन रही हैं ना आपा, प्लीज आपा। नाज़ली, क्या तुम ठीक हो? वो ग्लास क्या हुआ? अरे नाज़ली ठीक है, छोड़ दो इसे। अरे तुम्हारे हाथ में लग सकता है, छोड़ दो इसे। मैं क्या कह रहा हूँ समझ नहीं आ रही? टूट गया मुझसे। अरे कोई बात नहीं, टूट गया तो फिर क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे और उठो यहाँ से। उठो उठो, मुझे अपने हाथ दिखाओ, दिखाओ। बैठो यहाँ आराम से, परेशान कर दिया। तुमने ग्लास को हाथ ही क्यों लगाया? लाओ दिखाओ मुझे अपना हाथ। ऐसा क्यों किया आसुमान तुमने? आसुमान ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं किस मसले में अपनी टांग अड़ा ली तुमने। सारे फसाद की जड़ तू है आसुमान। या अल्लाह, काश आपा ने वो लिफाफा देखने से रोक लिया उन्हें। अरे आसुमान, तुम अभी तक इधर ही हो? जी हाँ, मैं गई ही नहीं। मैं अपनी दोस्त की कॉल का वेट कर रही हूँ। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी हो रही है, सोचा कि यहाँ वेट कर लूँ। समझ गई। मुझे उम्मीद है कि तुम एंगिन साहब का यकीन नहीं तोड़ोगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसा मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। शाबाश, यहाँ कल सुबह 9 बजे पहुँच जाना। ठीक है, टाइम पर आ जाऊंगी मैं। ये फाइल एंगिन साहब के रूम में भिजवा दीजिए। 9 बजे आ जाना, यहाँ मैं वैसे ही परेशान हूँ और इन्हें पहुँचने की पड़ी है। बस थोड़ा सा दर्द होगा। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी और स्ट्रेचेस की जरूरत नहीं पड़ी। तुम ऐसे परेशान क्यों हो गई थी? मुझे उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आइंदा नहीं तोड़ूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, गिलास ही तो था। पर तुम तो ठीक हो ना? हो गया, अब ठीक हो? मैं ठीक हूं। अरे इसमें रोने की क्या बात है? आपका शुक्रिया। मुझे अब काम पे जाना चाहिए, मैं तैयार होने जा रहा हूं। बहुत खूबसूरत सुबह थी आज, इस छोटे से हादसे के अलावा। वैसे इन टुकड़ों को उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं मिसेज इकबाल को बोलूंगा कि सफाई वाले को जल्दी बुला लें, क्योंकि तुम्हारे हाथ कीमती हैं। मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं। वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम एनवेलप मेरी अलमारी में रख दो। ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रही हूं नाज़ली। हेलो फरीद सर, नाज़ली के बहन ने ही बुलूत के डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। आप तस्वीरों को देख के खुद आइडिया लगा लेंगे। उसने ही बुलूत के डॉक्यूमेंट्स दैमित के वकील को दिए थे। आप इसे देखें, खुद यकीन आ जाएगा।
मुझे माफ कीजिएगा। ये लीजिए मैम, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। बहुत शुक्रिया। क्या फरीद साहब आ चुके हैं? वो जल्द आ जाएंगे। हाँ बस मुझे डर है कि कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। क्या कोई बुरी खबर किसी भी किस्म की तुमने सुनी है क्या? हाँ जी। नहीं मैडम, जाने तो चलो, मुझे लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। अच्छा तुम मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ, ठीक है? दो कॉफी ले आए मैडम हमारे लिए। मेरी जान, मैं देख रहा हूँ कि तुमने गद्दी संभाल ली है। हाँ मगर तुम्हारी हमारे ऑफिस में मीटिंग नहीं थी। थी, मगर मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो और मैंने सोचा कि दैमित के पास चला जाऊं। हाँ ऐसा ही है, मैं यहाँ कुछ खरीदारी करने के लिए आई थी। मैंने सोचा करीब हूँ तो यहाँ से होती हुई चली जाऊं। इनको हमारी मौजूदगी का पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। पेशी में अभी थोड़े दिन बाकी हैं। अगर हमें वकालत मिल गई तो हमारी हुकूमत यहाँ पर पक्की है मेरी जान, और तब मैं फरीद असलान का चेहरा देखना चाहता हूँ। उसके लिए तो दुश्वार वक्त मुंतजर है। मैं तुम्हें प्याज की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी आसुमान, या शायद तुम्हारा भट्टा बना देना चाहिए, ये कैसा रहेगा? या फिर तुम्हारी चमड़ी उतार के तुम्हारा बारबेक्यू बना दूं। आप प्लीज मुझे ये खाने की रेसिपीज बनाना बंद करेंगी? अरे आप हौसला रखें, रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं, सब कुछ हमारे इख्तियार में है। आसमान तुम्हें कोई आइडिया है कि क्या हो सकता था? अगर वो यूएसबी वो देख लेते तो। नजर आ रहा है आपा, आ रहा है नजर। बुलूत यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है आसमान, और अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? परेशान न हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। कैसे? तुम्हें लगता है कि मिस दैमित बुलूत की कस्टडी हमें दे देंगी इससे? मैं दैमित से बात करूंगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है वो मान लेंगे आसमान? अपनी बकवास बंद करो आसमान, हमें कुछ सोचना चाहिए। मुझे कोशिश तो करने दे, शायद काम बन जाए। आसमान, आसमान। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है मुझे यहाँ की कॉफी बेहद पसंद है। आज के बाद हम मीटिंग यहीं करेंगे सिर्फ कॉफी के लिए। एक मर्तबा ये दावा बंद हो जाए फिर तो हम यहाँ घोड़े भी दौड़ाएंगे। वाह वाह वाह, देखो कौन आया। खुशामदीद, तुम्हारी प्यारी चालाक जासूस नहीं 002। हाँ कभी हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरी जानिब है। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? माफ करना, मुझे इसका जवाब देना होगा, माफ करना। हेलो, जो कागजात आपने मुझे फंसाने के लिए भेजे थे वो मेरी बहन ने ठिकाने लगा दिए हैं। आसान अल्फाज में, हर चीज मेरे कंट्रोल में है। तो फिर ठीक है, मैं फरीद को खुद ही कॉल करके सब बता देती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। आसुमान, तुम मेरी बहन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम उससे जलती हो। जानती हूँ कि तुम अभी भी फरीद साहब के ख्वाब देखती हो, चलो ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये बात हाकान साहब को मैं बता दूं तो पता है ना क्या होगा? जो ये तुम्हारी खूबसूरत सी जिंदगी है बर्बाद हो जाएगी ना। इंसान के रूप में चुड़ैल हो तुम। इंसान ऐसे ही होता है, गुस्से में आकर एक फैसला क्या करता है, खुद को बर्बाद ही कर लेता है। आसुमान, तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के सच को छुपाएं। मैं अपनी बहन को मजीद परेशान नहीं कर सकती। तो उसके लिए तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी आसुमान, क्योंकि तुम्हें इस ऑफिस पे इंटर्नशिप भी तो करनी है ना। मैं सोच रही थी कि तुम ऐसी जगह पर घुसो जहां मैं नहीं घुस सकती, और वो बातें सुनो जो मैं नहीं सुन सकती, और बदले में हम एक दूसरे का रास पोशीदा रखेंगे। बोलो मंजूर है? और अगर इनकार कर दूं तो?
वो महंगा पड़ेगा तुम्हें। लगता है फरीद को सब सच बताना ही पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हकान के नाम से मुझे डरा सकती हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तो उसे कुछ ना कुछ बोल के मना ही लूंगी, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। हाँ जी, वकील का फोन था, दूसरी तारीख के लिए सब सही लग रहा है। क्या हुआ खवातीन, मुंह क्यों लटका रखा है, कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छे दोस्त हैं। बोलो ना आसुमान। ऐसा ही है, जैसे कि हर चीज तय हो चुकी है, तुम जा सकती हो। क्या हुआ, क्या बात की? आसुमान मुझे बता रही थी कि इस ऑफिस पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर रही है। हमारे लिए जासूसी भी करेगी। बहुत आला। क्या मतलब रोक लिया आसुमान, कैसे रोका तुमने? आप तो जानती हैं मैं अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को मनाने में कितनी माहिर हूँ। डैमिट, तुम जानती भी हो डैमिट को, कैसे मान लिया उसने? अरे हाँ ना, यानी क्योंकि वो इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि फरीद साहब के खिलाफ बनाए गए मंसूबे उसके सामने आ सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किया वो गैर कानूनी था, उसे इसकी सजा मिल सकती है। आसुमान तुम्हें ये सब मालूमात कहाँ से आ गई अचानक से? आप तो जानती हैं मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो पेशे से वकील था, उसी ने बताया था सब। मैं कभी कभी उससे क्लासेस लिया करती थी, बस इसीलिए याद रह गया, आखिर किसी काम तो आया वो। उन दिनों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता था। मेरी बात सुनो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामला बंद हो गया है। हाँ आपा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये मामला बंद हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा आपसे वादा है। अब मैं जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। दैमित, वैसे मैं ये कह रहा था कि ये जो तुम्हारी प्यारी जासूस आसुमा है, इसने तस्वीरों में हमारी मदद की है, सही है? अभी ये कंपनी में भी हमारी जासूसी करेगी, मगर अगली तारीख में 4 दिन बाकी हैं अभी, ये कोई मसला तो नहीं खड़ा कर देगी? उसे तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम जानते नहीं उसकी डोरा मेरे हाथ में आ गई है। ठीक है फिर। मिसेस इकबाल, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करें ताकि हमारी गैर मौजूदगी में कोई अंदर ना सके। अरे भाई। फरीद असलान, कवों को भी अब इस कंपनी में इख्तियार हासिल है, तुम्हारे जैसे कबूतरों को इसकी आदत डालनी होगी। फरीद, तुम्हें जल्द पता लग जाएगा कि मैं कबूतर हूं या उकाब। अभी से अपने छुपने के लिए कोई बिल ढूंढ लो तुम। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें दोबारा अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहता हूं, दफा हो जाओ यहां से। कहीं भी नहीं जा रहा, मेरे पास अदालत का फैसला है, हम भी यहां पे हिस्सेदार हैं। वाकई? देखते हैं। हकान प्लीज चलो यहां से। हकान, हम कहीं नहीं जा रहे, जम के बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमारे वकील ने पहले ही मुआहिदा तैयार कर रखा था, हमने सिर्फ नाम दाखिल किया है। अगर आप चाहें तो इसे अपने वकील को दिखा सकते हैं। जो भी आपने कहा है वो लिखा हुआ है, मुआहिदे के यही नुकात हैं, पहले हम इनकी तस्दीक करेंगे। तफसीलात ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप क्या काम शुरू करने जा रहे हैं। ना आप और ना मैं अफसरदा होंगे। मुआहिदे को मुंतकिल करना बहुत ही आसान है। कलम है आपके पास? आपका मतलब आपको यकीन है? जी हाँ। खुदा बेहतर करे आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का इल्म हो, खास तरालिया की टीम को। बाकी तमाम मामलात मैं देख लूंगा। जैसा आप कहें। डेनिस, आलिया, तुम अभी तक गए नहीं? मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी देर और बैठूं। क्या तुम आज परफॉर्म करोगी? नहीं, हम आज सिर्फ जैमिन करेंगे, बस वीकली एक ही परफॉर्मेंस होगी हमारी।
काश कि आज हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देख पाते। मेरा मतलब तुमने इतनी मेहनत की है, अगर तैयार हो। हाँ ठीक है, लेकिन बॉस का ऑर्डर है। चलो ठीक है, चलो तो तुम आज मुजाहिरा कर लो। ये हमारे कस्टमर की खास दरखास्त है, जैसे उनकी मर्जी, हम तो यहाँ खिदमत के लिए हैं। ठीक है, तो फिर मैं बैंड को कह देती हूँ रुकने का। ठीक है, तो मुझे अपनी दोस्तों से मिलने जाना है, रात में मिलते हैं, बाय। ओके ठीक है, मीटिंग वाले कमरे में दो कॉफी भिजवा दें। क्या कहा, क्या कहा, क्या मतलब कोई कॉफी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुंह पे फोन काट दिया इस बेवकूफ। हाँ, कान बस बहुत हो गया। वाह 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 वाह, बहुत आला, माशाल्लाह। बस इतने ही, कोई और नहीं आ रहा? कोई नहीं आएगा, पर जाएगा जरूर हकान साहब। मैं तो फैसले का इंतजार कर रहा था, आखिरकार यह आ ही गया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जैसा कि इस फाइल में लिखा है, इस कंपनी में तुम्हारा दाखिला मना है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये पढ़ लो। नामुमकिन, मैं इस कंपनी का हिस्सेदार हूं, कानून भी कोई चीज होती है। अहमद साहब आप ही समझा दें। पिछला फैसला इस वाले फैसले के बाद खत्म हो गया, आपको अदालत का फैसला मानना होगा। आपका पसूला होल्डिंग में दाखला ममनू है, अब आप जा सकते हैं। हाँ कान, चलो चले। मैं कहीं नहीं जा रहा, हम इस कंपनी के हिस्सेदार हैं, समझ गए? हमारे पास अदालत का फैसला है, ये कानून है, कोई मजाक नहीं। कानून तो कहता है कि आपकी कोई जगह नहीं। रुक जाओ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा ये। दो दिन बाद मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। मिसेज इकबाल। हकान साहब, कागजात हाथ में रखे मिसेज इकबाल। हाँ डेनिस, बोलो। हाँ जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। फतोष, अच्छा लगा तुम यहाँ ले आई, यहाँ का मेन्यू भी बहुत जबरदस्त है। फतोष, अरे क्या मसला है यार, तुम्हारी आईब्रोज के बीच में झुर्रियां पड़ चुकी हैं टेंशन से। तुम सही कह रही हो, उस इंसान ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजर था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान में जरा सी भी अकल नहीं थी, चिड़चिड़ा कहीं का। फतोष आप मेरी तरफ देखें, जिन झुर्रियों की वो बात कर रही है वो तो मेकअप से दिखेंगी भी नहीं, छोड़े भी इतनी सी बात पे कौन परेशान होता है। कैसे परेशान ना हूँ मैं आसुमन, कैसे परेशान ना हूँ। तुम देखो ना, आलिया को कितनी अच्छी जगह जॉब मिल गई है, हर चीज मिल गई है उसे, यहाँ तक कि तुम्हें भी अब नौकरी मिल गई है, सिर्फ मैं ही हूँ जो लटक के रह गई हूँ। फतोष आप मुझे अब गुस्सा दिला रही है, आपने तो वाकई मेरा दिल तोड़ दिया है। अरे नहीं मेरी जान, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये वजह नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कितनी कम उम्र में तुमने कितना अच्छा काम शुरू कर दिया है ना, जानती हूँ। लेकिन मैं पागलों की तरह उस नौकरी के इंटरव्यू के लिए चली गई, और वहाँ मुझे एंगिन मिल गया लिफ्ट में। देखो तो जरा, किसी की किस्मत इतनी भी खराब हो सकती है क्या? और आगे का तो तुम सबको मालूम ही है, मैं अपनी सारी जिंदगी अब गरीबों की तरह गुजारूंगी। तुम अरे फतोष, बिना वजह इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे समझोगी, तुम इस मामले को भूल जाओगी कुछ दिन में यार। नहीं भूल सकती, मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। हेलो नाजली। खुश आमदीद, मैं जाने वाली थी, मेरा काम खत्म हो चुका है। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ अब ठीक है, प्लास्टर हटा दिया है। ये तो ठीक हो गया। हाँ मैंने कहा ना। जनाब। डेनिस। मेरी उंगली कट गई थी, फरीद साहब देख रहे थे। क्या हो गया भाई, मुझे दिखाओ जरा। जरूरी नहीं है, शायद तुम्हारी हिस्स तो काफी कम है। हाँ, थोड़ी सी। जल्दी आ गए तुम, टाइम पर पहुंचने का टारगेट रखा था इसलिए जल्दी आ गया। काफी लजीज चीजें नजर आ रही हैं यहाँ तो। जरा ट्राई तो करो। हेलो,
हाँ उनकी क्लास आज ही थी। बिल्कुल नहीं कोई मसला नहीं है। फिर भी आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कोई बुरी खबर है क्या? हाँ बुरी खबर है। एक बहुत ही मशहूर शेफ हाजिर अमानी ईरान से यहाँ पे आए हैं क्लासेस देने। उनकी आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी, मुझे वो अटेंड करनी थी। मुझे जगह नहीं मिली, मैंने किसी से सिफारिश करवाई लेकिन जगह नहीं मिली। तुम्हें जापानीज़ फूड बहुत पसंद है ना? उनके शेफ और उनका कल्चर भी। क्योंकि उनका कुकिंग स्टाइल मुझे पसंद है, वो डिफरेंट चीजें मिला के एक नई डिश बनाते हैं। और आज की क्लास में वो हमें अंताकिया की डिशेस के साथ सुशी बनाना सिखाने वाले थे। अंताकिया खाना और सुशी, है ना जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो क्या अब तुम वहाँ नहीं जा सकती हो? शायद नसीब में नहीं है मेरे। खैर मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है नाजली, बहुत शुक्रिया। नाजली जरा रुको तो, मुझे कुछ बताना है। मैंने एक बार खरीद लिया है। मेरा एक बहुत पुराना ख्वाब हकीकत में बदल चुका है फरीद। अब वो मेरी मुस्तकिल जगह है, अल्लाह का शुक्र। ठीक कर रहे हो तुम। म्यूजिक तुम्हें बहुत पसंद है और तुम अच्छे भी हो उसमें। तुम्हें यकीन है कि तुम मैनेजर बनना चाहते हो? डेनिस ये जॉब बहुत थका देने वाली है। किचन का स्टाफ हर वक्त काम पे लगा रहता है, सब मसरूफ रहते हैं। इसी चीज की ही तो जरूरत है मुझे। डेनिस तुम तो हमेशा यही बोलते थे कि मौसीकी पैसे कमाने की चीज नहीं है। नहीं मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। मैं सालों से म्यूजिशियन और एक परफॉर्मर हूँ। मुझे हर तरह की दुश्वारी का इल्म है और मुझे इस बात का भी इल्म है कि नई नस्ल के म्यूजिशियंस और परफॉर्मर्स को किस तरह से प्रमोट करना होगा। मुझे तुम्हारे टैलेंट पे कोई शक नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है डेनिस, अगर हिम्मत करो तो कुछ भी हो सकता है। हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। मुझे यकीन है मैं अपने दोस्त की बहुत अच्छे से मदद करूंगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी ये बात किसी और को न पता चले, खासतर आलिया को। वो क्यों? मैं नहीं चाहता उसे ये बात पता चले कि मैं अचानक मालिक बन गया। मैंने अभी बस खरीदा है, अभी मैं इस जगह का और इस काम का पूरी तरह आदि बन जाऊं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उस तक बात पहुंचने में? पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो क्या प्लान है आप लोगों का? आज रात आप लोग तशरीफ ला रहे हैं ना? डेनिस तुम्हें तो मेरी आदत का पता ही है। यार तुम तो हमेशा ही घर पर रहते हो। और नाजली तुम? मुझे नहीं पता, कह नहीं सकते कुछ। मुझे लेट हो रहा है, अब घर चलना चाहिए। ईरानी शेफ की रात को भी एक वर्कशॉप है, वहां ट्राई करूंगी अगर मौका मिल गया तो। ठीक है फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर मिलते हैं। बेटा बात सुनो, वहां पर जाओ, वो जो है ना। जी ठीक है। यार ये एंगिन तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, एक बार नहीं देखा इसने। जब उस दिन ये मुझे लिफ्ट में मिला था ना तो थोड़ी सी उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद ये मुझसे बात कर ले, लेकिन सब खत्म है, पानी फिर गया सब पे। जरा गौर से देखो सामने रेड कलर की दो लाइट्स लगी ना वहाँ पर, कुछ दिन पहले एक जगह गया था, इन्हीं लाइट्स का इतना जबरदस्त इस्तेमाल था मत पूछो। अपने घर पे लगा लो इस तरह। ठीक है हम देखते हैं। वो किसी चीज में देर नहीं लगती, उम्मीद से मायूस ना हो बेबी। उम्मीद एक बहुत खूबसूरत चीज है, कहते हैं कि उम्मीद गरीब आदमी की दाढ़ी है। हाय इस तरह की कहावत दुनिया से कब जाएगी यार। उफ़ घुटन महसूस हो रही है मुझे यहाँ बहुत। लड़कियों तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को कहीं छुट्टियां गुजारने जाना चाहिए बाहर? यार आइलैंड पे जाके फ्रेश हो जाएंगे ना हम लोग। रुको मैं देखती हूँ कि वहाँ कैसा मौसम चल रहा है। कैसा चल रहा है इसके साथ? ये कैसा सवाल है यार, तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा क्या? वो देख लो अभी भी फोन में बिजी है किसी के साथ। जबरदस्त मौसम है। अरे भाई मुझे लग रहा है वो नाजली को मैसेज कर रही होगी। नाजली को मैसेज कर रही होती तो इतनी मुस्कुराहट नहीं आती उसके चेहरे पे। देखो 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 वो हंस रही है, मान लो कुछ ना कुछ चल रहा है। हाय ये तो सिर्फ 29 डिग्री बता रहा है यार, हवा भी चल रही है, चलो ना चलते हैं। अरे भाई मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, कल से मैं अपनी इंटर्नशिप शुरू कर रही हूँ। मैंने कल जैमिंग का वादा किया हुआ है और कल मैं काम कर रहा हूँ, और वैसे भी
मुझे लगा तुमने लड़कियों कहा था। आलिया तुम्हें यकीन नहीं होगा। क्या हुआ? डैनी साहब ने ये बार खरीद लिया है और वो इस बात को राज रखना चाहते थे। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं तो, लेकिन कैसे? अच्छा बात सुनो मेरी तुम लोग, मैं जाकर नाजली को कॉल करने वाली हूँ, उसे कुछ बताना है और तुम लोग यहाँ पर सब पर नजर रखो। हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, खुशामदी। कैसा जानी? हेलो नाजली, तुम्हारे हाथ में जो भी है ना उसे आराम से कुर्सी पर रख दो और फौरन तैयार होकर यहाँ आ जाओ। ना मत कहना। तुम्हें मेरे खाने से क्या तकलीफ हो गई? ये मेरे खुशी का जरिया है। अगर क्रेन भी मुझे उठाने आई तब भी नहीं उठूंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी हूँ। मुझे अमानी के वर्कशॉप की टिकट नहीं मिली। देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगी और तुम मजबूर हो जाओगी आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आइसबर्ग आया हुआ है। आइसबर्ग कौन है? तुम्हारा आशिक। कौन आशिक आ गया? मेरा फतोश फरीद असलान। हेलो मैं अपने दोस्त से फोन पे बात कर रही थी और दरअसल वो भी आ रही है ना, तो पूछ रही थी कि कौन कौन आया है, तो मैं सब गिन के बता रही थी कि आलिया, डेनिस, तारिक, एंगे, नासुमन और आखिर में आपका नाम भी आया, तो वो भी बता दिया और आप आ गए। क्या ये दोस्त नाजली है? उससे बोलो मुझे अच्छा लगेगा अगर वो आ जाए। ठीक है बताती हूँ। नाजली फतोश, क्या हो रहा है वहाँ? ये फरीद साहब की आवाज़ थी ना बैकग्राउंड पे? हाँ मेरी जान, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश होंगे अगर तुम आओगी तो। फतोश तुम मुझे पागल बना रही हो या मुझे लग रहा है? मुझे शामिल मत करो मेरी जान, मैं पहले ही बहुत मुसीबतों में हूँ। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ पर फौरन आ जाओ, अभी आओ, इसी वक्त आओ, उड़कर आओ, जैसे मर्जी आओ, लेकिन आ जाओ फौरन तुम। ठीक है ओके बाय। बताओ ना कि तुमने ये बार ले लिया है, वो भी मेरी खुशी के लिए। आलिया मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या चाहती हो, पर बात वो नहीं है जो तुम सोचती हो। अभी भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं हूं मैं, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, ये मानता हूं, यही वजह है कि मैंने ये जगह खरीद ली। बस सिर्फ इतनी बात है। नाजली तुम्हें गम के अलावा कुछ नहीं देगी, तुम अभी तक नहीं समझे? आखिर तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? ये कैसे कह सकती हो तुम? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। हेलो खुशामदीद नाजली। शुक्रिया आपका। खुशामदीद। शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, वैसे भी कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। हाँ मैंने इस जगह को गौर से देख लिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों नहीं, मैं मदद करती हूँ। पर नाजली के पास तो पहले ही से काम है। मतलब तुम उसे नहीं छोड़ोगे? हाँ मुझे वो हर वक्त के लिए नहीं बल्कि थोड़े बहुत टाइम के लिए चाहिए होगी। नाजली तुम्हें कुछ पीना नहीं है क्या? नहीं मैं बाद में ले लूंगी, ये लड़कियां नहीं दिख रही, कहाँ है? ठीक है फिर मिलते हैं। मिलते हैं। मुझे लगा कि आपको खुद सुन लेना चाहिए। जिंदगी नाइट पार्टी की तरह नहीं है, ये जिंदगी गिटार बजाने की तरह नहीं है भाई, हमारे लड़कों को पता है ये। बहुत अच्छे, हम उनका तमाशा देखने के लिए अभी रुक सकते हैं या हमें अपने आदमी भेजने चाहिए? जैसा आप चाहें। अच्छा जब मुझे फरीद से फुर्सत मिल जाए तो मैं उसे देख लेता हूँ। तुम किसको तंग कर रहे हो आकान? खुशामदीद मेरी जान,
थैंक यू। मैं किसी को तंग नहीं कर रहा, मेरा मतलब मुझसे जो पंगा लेते हैं। अच्छा, इस बार तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। क्या है? जानते हो इस दफा तारीख जल्दी होगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ आकांत, कुछ गलत ना करना जो हमारे खिलाफ हो। फिकर ना करो दैमित, कोई मसला नहीं होगा, सब कुछ काबू में है हमारे। ठीक है। मैंने सुना है तुमने आसुमान को इंटर नहीं रखा है। वैसे सुनने में ये इतना बुरा फैसला नहीं है मेरे दोस्त। हाँ हाँ, लेकिन तुमने उसे यूं देखकर ऐसे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि वो काम कैसा करती है ये देखना चाहिए। मैं पहले भी तुम्हें कह रहा था कि ये चेंज करके ले आ। गई हूँ काफी टाइम बाद इतना डांस करके। क्या खा रहे हो? सही कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। डेनिस भी यहाँ है, क्या हाल है? काफी अर्सा हो गया मिले हुए। एक्चुअली मैं साउथ अमेरिका गया हुआ था, इसी वजह से बस। हाँ, हमारी बात हुई थी पिछले साल, तुम बता रहे थे कुछ अपने प्लान्स के बारे में, शायद साउथ अमेरिका ही जाने वाले थे। वो साउथ अमेरिका नहीं था, स्पेन थी वो जगह। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, उस वक्त तो तुम दोनों एक दूसरे के पीछे पागल थे। खैर, ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। उफ या अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम दोनों साथ थे। ये बात तुम्हें तो नहीं पता होगी। मैं ये बात बताने वाला था मगर मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैसे भी ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है। वैसे सही बात है, वो लड़की यानी सच बोल रही थी, तुम लोग अच्छे दोस्त रहे होगे। अरे ये क्या है, तुम लोग तो मरे हुए लग रहे हो। आप आओ, चलो डांस करते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। डेनिस, क्यों ना हम भी डांस करें? नहीं, मैं जरा टेबल्स वगैरह चेक कर लूं कि सब सही है या नहीं। ये तारिक को डांस करना आता है क्या? नहीं, मुझे नहीं आता। कम ऑन यार, ट्राई करो, आ जाएगा। चलो आ जाओ, डांस करते हैं। चलो चले क्या? आइए आइए, क्यों नहीं। तुम क्यों नहीं नाच रहे? बॉस बन गया ना, अब थोड़ी नाच सकता है। दिल नहीं कर रहा यार, करता तो छा जाता मैं। मुझे पता है आप ये कहने आए हैं कि आप मुझे फायर कर रहे हैं, लेकिन ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रिजाइन करती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? जो इस वक्त तुम्हें लग रहा है। मेरे लिए तो ये सिचुएशन और मजे की हो रही है, बताएं मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों इस वक्त एक ही बात सोच रहे हैं। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ नाज़नी? हाँ? नहीं, आप गलत नहीं सोच रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और तुम्हें भूख भी लगी है। आपको कैसे पता? पता लग जाता है मुझे, सारा दिन कुछ भी तो नहीं खाया और सारा दिन उसी शेफ के पीछे लगी रही। बस क्या कर रही हो तुम? तुम उदास हुई और घर चली गई, जैसे कि तुम फास्ट फूड नहीं खाती और तुम खुद भी कुछ तैयार करने वाली थी ना, ऐसा ही है ना? और फिर तुम यहाँ आ गई और तुम्हें अब तक भूख लग चुकी होगी। इसके अलावा तुम लगातार पॉपकॉर्न ही खाई जा रही हो। बहुत अच्छे, सही अंदाजा था आपका। मुझे भी बहुत भूख लगी है। असल में मुझे एक जगह पता है, लेकिन मुझे पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या नहीं। कभी कभी आपको जिंदगी में खतरा मोल लेना चाहिए। फिर चलते हैं। मैं तुम्हें दरवाजे पे मिलता हूँ। ठीक है, मैं फतोश को बता देती हूँ। हाँ, क्या हुआ? फतोश, मैं जा रही हूँ।
अरे कहाँ जा रही हो, कुछ तो बताओ मुझे। खतोश में थक गई हूँ, फरीद साहब मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, आसमान को बता देना, इसका ख्याल रखना तुम, ठीक है? ठीक है। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आसमान, फतोश तुम्हें बता देगी, ओके? ये देखें, जैसा कि मैंने कहा था, कोई इशू तो नहीं, अगर कोई है तो चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सही है। नाजली बेटा, कहाँ थी तुम जो इतने दिनों बाद आई हो यहाँ? सॉरी कदीजा चाचा, मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाई। तुम्हारा साहब बुरा आदमी मालूम होता है, तुम्हें आने नहीं देता क्या? कदीजा चाचा, मैं आपको मिलवाती हूँ, ये है फरीद साहब। देखा तुमने, मैं तो भूल ही गया। अरे बेटा माफ करना। कोई बात नहीं, मैं हूँ फरीद असलान। मैं यहाँ नाजली के बॉस होने की हैसियत से नहीं आया, हम यहाँ पर दोस्तों की तरह आए हैं। सही, आइए बैठ जाइए। ये मेज हमारा खास मेज है आप जैसे दोस्तों के लिए, बैठिए। बहुत शुक्रिया कदीर चाचा। आप क्या ऑर्डर देना पसंद करेंगे? मैं आपकी खिदमत में ताजा खाना बनाकर पेश करूंगा। शुक्रिया। कदीर चाचा ने अपनी कश्ती बेच दी है अब, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, अब यहाँ खाना बनाते हैं बहुत अच्छा। तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला? एक शेफ को पता होता है कि अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। चोट कैसी है? नहीं, ये तो अब ठीक हो चुका है, ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। जब मैं बच्ची थी ना, तो मेरी बॉडी जख्मों से भरी रहती थी हर वक्त। एक बार दरख्त से गिर गई, एक बार बाइक से गिर गई, एक बार शायद बैल्कनी से भी गिरी हूँ। मैं बहुत हादसों से गुजरी हूँ। मैंने अंदाजा लगाया है कि मैं बहुत गैर जरूरी बातें करती हूँ। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मैं अभी भी उस पियानो और सीनियर रोजेटी की कहानी में गुम हूँ। लगता है आप रॉयल फैमिली में बड़े हुए हैं। मैं अपने वालिद के साथ फुटबॉल खेलता था, हम पतंग भी उड़ाते थे। मैं बहुत एक्टिव बच्चा था, हर वक्त खेल कूद में लगा रहता था। मुझे याद है कि एक दफा मैं पिछला और इतना बुरा गिरा कि आज तक निशान है उस चोट का। कम से कम आपके पास शेयर करने के लिए अच्छी यादें तो हैं, मेरी तो सारी बहुत बकवास है। जब भी रिकॉल करती हूँ तो खुद पे गुस्सा आता है बहुत।